चले फटाफट हाथ चला, ये नरम तेरे से एक डब्बा नहीं उठाया जा रहा है। चल 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 हाथ चला। अरे तेरे से महंगा माल है। अब चली तो कोने पे। ए, सारा माल मेरी जीप में रख दे। नशा करके आया क्या? अगर मेरा दिमाग 360 डिग्री में घूम गया तो ये नेक काम तू ही करेगा। हिम्मत है तो करा के दिखा। भाई ये खाकी वर्दी गर्मी दिखा रहा है, अपना माल जब्त कर लिया है। भाई भाई सुनो भाई, कौन? इरफान लाला। इस वक्त क्या काम पड़ गया? खाकी पहन के बाहर आ, चल। क्या इतना बड़ा हो गया मेरे से काकू करेगा? कल सवेरे आके मिलूं। अबिच बोलने का मतलब है अबिच। चलते रहे। ब्रेक मार। सामने एक और लाल बत्ती आ रही है, उसको रोक। सारा माल अपने कब्जे में ले। सर इस वक्त उस गाड़ी का सामान मेरी गाड़ी में रख। सर जैसा कहा जाए वैसा कर। तेरे वर्दी भाई को साथ में ले ले। ठंडी हवा का झोंका खा और सीधा सबसे मंडी पहुंच। सीधा सुनसान गली शमशान नगर कब्रिस्तान के पीछे ले ले। अगला स्टॉप वीर बहादुर चौक। ए, आवाज नहीं। जैसा तुमने कहा वैसा किया, फिर भी मारने की कोई वजह थी? वर्दी भाई ने अपुन का 60 करोड़ का माल चेक किया, इसलिए अपुन ने उसका कान चेक किया। इंसान भले ही कम हो जाए, लाला का खौफ कम नहीं होना चाहिए। एक सड़क छाप गुंडे के हाथ से मार खाने से अच्छा है मैं नौकरी छोड़ दूं। मैं आपके नक्शे कदम पर चलता हूँ सर। आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? गलती तो हुई है, बहुत बड़ी कार्तिक। इस गलती का नाम है कार्तिक। चल कमान, डाई लगा के जवानी बरकरार रख। ब्लड प्रेशर होगा तो सबको प्रेशर होगा। सोचा खूबसूरत लड़की बाइक के पीछे होगी, बापू तू बैठा। दो बहने मतलब रक्षाबंधन में डबल खर्चा। अब चलो। माँ भिंडी कौली लग रही है। भिंडी नहीं, वहाँ बैंगन लेते हैं। आज ऑफिस में पारिवारिक पिक्चर शो होगा। अच्छा वो हम वक्त पर पहुँच गए। फैमिली को फिल्म के पोस्टर की तरह हर जगह चिपका के रखा है। अगली बार फ्रेम टेढ़ा होगा तो 13 फ्रेम लग जाएगा। इसका ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये लो बस इतने, तेरे लिए इतना काफी है। नोट पर्स की साइज क्या है? चल माँ तू फिक्र मत कर, चल माँ जा जा, बिल्कुल जा 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 जा। आप भी कोशिश कीजिए ना। नहीं मैं लंगड़ी खेलूंगी। वास्को डी गामा यहाँ इस नदी से आया था। लगता है सबको पिज्जा खाने की तलब हो रही है, अभी बनाती हूँ। दादी माँ पिज्जा। अरे बात क्या है? ऊपर अचार लगा के दे। अरे मेरा लाल पीस तो एक से क्या होगा, पूरी प्लेट रख। वेलकम टू परिवार। शुक्रिया साहब। आपकी दो बीवी 4 बच्चे कहाँ रहते? वो राजस्थान में रह गए। तू यहाँ है तो वहाँ राशन भरने वाला कोई नहीं होगा। महीना भर का राशन दिला देता हूँ, बीवी वहाँ खुश या मैं डबल खुश। तेरे को फैमिली की फिल्म दिखानी पड़ेगी।
फैमिली क्या है? फैमिली असली खजाना है जिसके लिए हमें बहाना नहीं बनाना है। बाकी इंटरवल के बाद बॉस फैमिली को वीडियो कॉल करो। मोबाइल नहीं। अरे मेरा मोबाइल। अरे क्या किया तूने? क्या किया? फैमिली ट्रिप प्लान कर, दादी स्ट्रांग बनाना। ज्यादा स्ट्रांग हो गई, जाके खुद बना लेना। जी 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 शाम तक। फैमिली जरूरी कॉल सर। भारी सर, क्या हुआ? रविंद्र किचन साथियों के साथ आया, हमारे लोगों को मारा और गोदाम से सामान उठाकर ले गया। इसे फोर्टिस में एडमिट कराओ। साहब कार्तिक आया है। क्या मुसीबत है, अब ये मेरे कान चबाएगा, कानून की किताब खोलकर बैठ जाएगा। इस बला को कैसे दफा करूं मुझे पता। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? एक गुंडे ने मेरे गोडाउन को लूट लिया। किसने लूटा? रविंद्र यादव। अपन है रविंद्र, मौत का सौदागर, लोगों की जिंदगी छीन कर उन्हें मौत नसीब करता हूँ। तू दो कौड़ी का गुंडा है, मैं समंदर का रखवाला हूँ, क्या कर लेगा? वो यादव नहीं, कोई और शख्स होगा। 100% वही है, वॉचमैन ने उसे देखा है। इधर आ रहे, साहब की जेब में रिश्वत का वाउचर डाल। सुन के हिल जाएंगे, 2 खोखे का लोचा है। 2 करोड़? हाँ बोल इंस्पेक्टर। गौर से सुन, कार्तिक तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने आया है। 2 पेटी दिया ना तेरे को? 2 खोखा दबाकर सिर्फ 2 पेटी? अच्छा चल, 2 पेटी और देता हूँ, खुश हो जा। रोकना चाहिए। सुन, उसे बचन की गोली दे और वहाँ से दफा कर। अरे वो नेक बंदा है सर, इतनी आसानी से कोई सच की उल्टी करता है क्या? उसे पहले निचोड़ो और फिर छोड़ो। अरे एक मिनट आना। डोंट डिस्टर्ब। अरे एक मिनट आइए ना। अरे अरे एक मिनट सर, आते बैटर बोल जा। इसके सीपी अकाउंट में रिश्वत ट्रांसफर कर दे, केस सॉल्व हो जाएगा। तो करना, उसके ईमान की कीमत बोलना। आज सूरज कहां डूबा था? ए पांडू जी, तुम्हारे बॉस का MRP क्या है? सर 2 ना। अरे 3 बोलूं? 3.5। ए शेयर बाजार, ईमानदारी से तो ईमान को बेच, नामाकुल। हाँ? ए, पुरानी गुल्लक फूट गई, नई गुल्लक लेकर आ। बहन की दहेज के लिए जो पैसे रखे थे वो ऐसे दे रहा है। चेक चलेगा? दौड़ेगा। आधार कार्ड पे इसका क्या नाम है? मुर्गे सन सर्कल इंस्पेक्टर। मुर्गे का आसन। गंदी हैंडराइटिंग में लिख, चेक पास नहीं होना चाहिए। हो गया, एग्रीमेंट पे दस्तखत करा। पुलिस स्टेशन खरीद रहे क्या? रे, हम इसे लोन दे रहे हैं। यानी कर्जा? ये कौन सी योजना? कर्जा तो क्या फोकट में दे दूं? रिश्वतखोर मुर्गे, रिकवरी का कोई टेंशन नहीं है। 1 रुपया ब्याज नहीं देना है, बस साइन करो। इंटरेस्ट तेरे को नहीं देना है, मैं भरेगा ना। अरे साइन कर। साइन नहीं आती तो अंगूठा मार। आजकल फिंगरप्रिंट का जमाना है। मुझे कर्जा नहीं चाहिए ना। प्रिंट छोड़, अंगूठा दे। ताला दे दे। ओहो, पीछे से लेता है तो अंगूठा भी पीछे से दे रहा है। मुंह क्या दिख रहा है, आगे बचाना मेरे को। शुक्रवार को हमारे साहब इतनी मेहनत नहीं करते। अच्छा, तुझे तो मेहनत से मिली है। शुक्रिया सर, सत्यमेव जयते। खुद को स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट समझता है। पुलिस वाला हूँ इसलिए चुप रहना पड़ा। यादव तुझे सबक सिखाएगा। मुस्तफा कॉलेज हाय हाय। मुस्तफा कॉलेज हाय हाय। वी वांट जस्टिस। We want justice. We want justice. We want justice. We want. आपने जो चक्का जाम किया है इससे लोगों को तकलीफ हो रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? चंद मिनटों की परेशानी आपको दिखाई दे रही है? ये विद्यार्थी पिछले 1 साल से परेशानी झेल रहे हैं वो दिखाई नहीं देता? मेडिकल काउंसिल ने बिना इत्तला दिए 5 गुना फीस बढ़ा दी, ये नहीं दिखता? जब तक सरकार मुस्तफा ग्रुप के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हम जान की बाजी लगा देंगे। मुस्तफा कॉलेज, मुस्तफा कॉलेज। ए साइड साइड साइड, एम्बुलेंस जाने दो। चलो चलो, कम ऑन, आ जाओ, आने दो, आने दो। घबराइए मत, ये ठीक। क्या हुआ? पापा आज अचानक बेहोश हो गए। कैसे? घबराओ मत कार्तिक, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। ज्यादा टेंशन लेने की वजह से ये बेहोश हो गए थे। टेंशन? माँ जी इन्हें जूस पिलाइए। रुकिए दादी, मैं लेकर आता हूँ, आप लोग बैठिए। सच बताना, कार्तिक की शादी के लिए परेशान हो ना? फिक्र क्यों करते हो, समय के साथ सब हो जाएगा।
पापा आप यहाँ से हिलेंगे। तुम खामखा घबरा रही हो, मैं ठीक हूँ। माँ, दादी माँ, यहाँ ये सब, यहाँ ये। क्या बात है? मेरी शादी की वजह से आप इतना परेशान है? मेरी हाँ है, आप लोग लड़की ढूंढिए। लेकिन साड़ी पहनने वाली वेस्टर्न लड़की मिलेगी कहाँ? ऑनलाइन, आजकल सारी लड़कियाँ ऑनलाइन पे ही लाइन देती है मेरे भोले दोस्त। 82%, 85%, 92%, 100%, ये फाइनल। कार्तिक को शादी का लड्डू खिला के ही रहूंगी। आप यहाँ? दादी हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसी रहे दुल्हन? आप तो कल आने वाली थी ना? अरे तो खुश हो जा, अपनी बहू के लिए आई हूँ। हमारी फैमिली में सबको मीठा बहुत पसंद है। मीठा है खाना, बस चाहिए कोई भी बहाना, और कार्तिक बन जाएगा आपकी बेटी का दीवाना। मिठाइयाँ सामने रखते ही तुम्हारी बेटी सबकी नजरों में आ जाएगी। बम्बू पे छपरा अच्छा लगाया है, खुद का है? नहीं, हमने उधार पर लिया है। कोई भी पूछे तो बोलना खुद का है। दुल्हन ध्यान से सुन, कल केसर के दूध से नहाना और केसरिया साड़ी पहनना। नमस्ते जी। ए कार्तूस। हाँ दादी। अपनी अकड़ पे मजबूत पकड़ बनाए रखना। बीएमएचओ। आपका नाम रोशन करूंगा। चल। माता जी सब खैरियत? हाथ जोड़ रहा है, घर का मालिक है क्या? बाजूट बम्बू पे तंबू अच्छा गाड़ा है ना? तेरा खुद का आशियाना है? नहीं, हाँ खुद का है। लड़की देख रहा है, घर खरीदने नहीं। ये भी एक रस्म है। मेरी बेटी पुष्पा। नमस्ते। नमस्ते। हाय। हाय। अरे केसरिया रंग में फब रही हो। बचपन में कार्तूस भी इसी रंग की लंगोट पहनता था, है ना? शादी का पता चल जाएगा। पसंद अभी से मिल रही है। बैठो बेटी। ये मिठाइयाँ तुम्ही ने बनाई होगी ना? जी हाँ। मेरा कार्तूस भी जलेबी की तरह सीधा है। खुशबू तो बड़ी अच्छी है, स्वाद तो मेरा कार्तूस लेगा। तोते की तरह तरतर कर रही है। तोता नसीब बना रहा है। केसर जलेबी ला। अरे मैं तो भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। अंदर किचन में जलेबी है, तेरे को कैसे पता? वो शगुन में रखते हैं ना, इसलिए पता है। काय को झूठ बोल रही है दादी, इसमें तेरा हाथ है कि नहीं? मेरा हाथ? अब नहीं 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 नहीं। लो बेटा। लीजिए ना। लो। क्या रे? तेरे हाथ का एक्सपीरियंस झलक रहा है? मेरा एक्सपीरियंस तो हो गया, अब तेरे एक्सपीरियंस लेने की बारी है। अजब कार्तिक की गजब कहानी। जा साइड में जाके पूछ ले जलेबी में चाशनी कितनी डाली है, यहाँ पूछेगा तो सबको पता चल जाएगा। बुढ़िया ने मिलने से पहले अलग कर दिया। अरे रुक रुक रुक, नुस्खा तो लेके जा, पहले उसकी मीठी बात सुनना, फिर अपना कड़वा मुंह खोलना। फैमिली का राग अलापने मत लग जाना, हम दो हमारे दो ये सब मत बोलना। रूखी सूखी नहीं, प्यार की बात करना। रेगिस्तान को खोद कर मैंने वहाँ से पानी निकाला है, देख कैसे लपेटता हूँ। शाबाश मेरे शेर। लड़कियों के साथ कैसे डेटिंग करते, उसकी चैटिंग चल रही थी। जिंदगी में मैं बहुत कम लड़कियों के साथ आगे बढ़ा हूँ। अब मतलब मैं पीजी रहता था ना, तो मेरे रूम में सारे लड़के ही हुआ करते थे। क्या? अब आपको देखकर मेरा कलेजा डर गया है, गुर्दा जबान का साथ नहीं दे रहा है। मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, आई लव माई दादी। सही है बेड़ो, तुम तो सच में बहुत प्यारे हो। ढूंढने जाती फिर भी तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। परिवार से इतना प्यार। परिवार? हम साथ, सात आठ हैं। अब इसका पारिवारिक बटन दब गया है। परिवार को हर वार के खिलाफ वार करना चाहिए। इतवार हो या शनिवार, प्यार करो बार बार। हथौड़ी छीनिया हो कोई औजार। दुनिया में सिर्फ तेरा परिवार है, बाकी सब यतीम है क्या? फोन रख। सॉरी। समझ गया, कब से मैं ही बोल बच्चन दे रहा हूँ, आप भी प्रवचन दीजिए ना, ताकि लगन में अड़चन ना हो। क्या? मेरा पूरा परिवार दहेज के खिलाफ है, इसी साड़ी में चलिए ना। असल में मेरे माँ बाप मुझसे जबरदस्ती कर रहे थे, बोल रहे थे शादी कर लो, मेरा तो मन नहीं था। तो अय्याशी करना चाहती हो? ऐसा मुझे अंदर से एहसास हुआ। मतलब जब तुम्हारे पास वक्त हो मुझे बुला लिया करो। असल में मेरा ये मानना है कि एक दूसरे को बिना जाने आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ओ, साथ रहेंगे सजन, नहीं करेंगे लगन। हा? तुम झाड़ू लगाना, मैं पोंछा, कपड़े मिल बांट कर धो लेंगे, घर में चूल्हा एसी और फ्रिज ईएमआई पर ले लेंगे। क्या? ऐसी बातें करने से अच्छा तो ये परिवार की बातें कर लेता, इसके मुंह पे बलगम वाला थूक मारना चाहिए। थू। पहली किश्त मैं भरूंगा, बाकी सारी तुम भरना। बदतमीजी करना बंद करो। आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता खा लेना। आज मेरा व्रत है, तुम अपने हाथों से मुझे पिला दो ना। वाह यार इंसान, तुझे तो मैं जान से मार दूंगी।
रिश्ता बनाओगी? मैं डील पक्की समझूं? बस कर, वरना ये धक्का मार के निकालेंगे यहाँ से। आशीर्वाद बाबू के पैर की सैंडल निकाल के मारूंगा। चल ओके ओके, आ जाना लोखंड वाला, खिलाऊंगा सोने का निवाला। इसके कितने खुले हैं विचार, इसके साथ खाऊंगा आम का अचार, होगी नया पार। अबे रिश्ता बनेगा तब ना। बनाऊंगा, लड़की पड़ गई। कारतूस ओके कर दो ना, लेकिन मेरी तरफ से ओके नहीं है। इस कलर की साड़ी तो मैं फ्री में भी ना पहनूं। मिठाई लेकर दफा हो जाओ। और ये घर खुद का नहीं, भाड़े का है। तेरे दादाजी तो मुझे मंडप से भगा कर लेकर गए थे। एक तू है जिसे लड़की ने बेइज्जत करके भगाया। नॉनसेंस। भैया वो लड़की आपके लिए बेहतर है। हा? अच्छा। बहुत ही संस्कारी लड़की है, हम सबको पसंद आई। और क्या, इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसे बात कर रहा है जैसे नाके पे पनवाड़ी के साथ खड़ा हो। तो चल बंद करो, दिल के तार बजे बार बार। एक कमजोर धागा डाल के मजबूत रिश्ता बना के उसे घर लाऊंगा। फॉलो मी। इसके तलवे चाट कर सॉरी बोलूं? तलवा मत चाट, चाटा मार सकती है। चाहिए तो पैर का अंगूठा चूस के माफी मांग लेना, माफ कर देगी। चप्पल फड़ी तो मिलके खाएंगे। हेलो टकलू बाबू, किससे आस करूं? सेनोरा दुंदे इस ताला क्लास दे पाई ले। क्या जले हैं? ऐसा आसन मुझे भी सीखना है। जब जब इसकी कमरिया लचकेगी, इस गबरू जवान की सांसें अटकेगी। क्लासिकल वेस्टर्न थाई सबका कॉम्बो है। जरूर इसका बॉब आतंकवादी होगा जो टेरर बम बनाया है। इस दवा के साइड इफेक्ट्स भी अच्छे हैं। कोपचे में चलो ना। शीशे में धूल है, क्लियरली दिखता नहीं है। आ गई। ए ढक्कन। आने की वजह? अपने किए पर पछतावा है मुझे। मेरे माँ बाप से एक भूल हुई, इसलिए बॉय स्कूल हुई। वहाँ नहीं थी नारी, इसलिए मैं चला ना पाया शब्दों की आरी। यू बिकम माई टीचर। फिफ्थ स्टैंडर्ड से बस एक ही सपना था मेरा, किसी सुंदरी को कॉफी पिलाऊं। तुम चलोगी मेरे साथ? दरअसल पुष्पा, जब से देखा है तुम्हारे गाल पे तिल, बस में नहीं रहा मेरा दिल। तुम इस दिल की कसम, मेरे साथ कॉफी पी लो, बिल मैं भर दूंगा। मुमकिन नहीं है। ए, मुमकिन मतलब इस वक्त मुमकिन नहीं है, कसम। बाद में चल सकती हूँ मैं। आगे। पुष्पा, मेरे भूल भुलैया जैसे सवाल का जवाब दोगी? हाँ इरशाद। किस चिड़िया का सर पर पैर होता है? क्या ये उल्टी चिड़िया कब पैदा हुई? जवाब नहीं मालूम? हर चिड़िया का सर पर और पैर। इट वॉज बैड जॉक। सुपर बैड जॉक। मन्नत पूरी हुई। इसका रिश्ता टूटा तो मैं जोड़ लूंगा। हंसने के मूड में हो तो एक और पूछूं? पूछो। वो जो मामा मिया डांस था ना, बहुत ही लुभावना था। वो जलेबी भाई डांस था, चाशनी मार के। तभी तो कड़क हुआ। ये बताओ, ऐसी कमर कैसे लचका लेती हो? मैंने हिलाने की कोशिश की लेकिन मुझे मोच आ गई। तारीफ कर रहा हूँ, पसंद तो आ रही है ना? शर्मा मत करो ना, कितनी हॉट। जैसे तंदूर में से निकली मुर्गी। तुम्हारा डांस देखकर बूढ़े भी जवानी की दुआएं मांगते हैं। ये बतख जैसे हो तुमने कहाँ से पाए? खरगोश जैसा है तुम्हारा जोश, खानी दुनिया भर की खाक। खूबसूरत है तेरी आँख, होंठ जैसे चरवाहे की गोट। तू पहनना शरारा, मैं पहनूंगा टाई कोट। टाई कोट क्यों पहनोगे? दूल्हा शादी में चड्डी थोड़ी ना पहनेगा। आज मेरे फालतू हटेले जोक किसी को तो पसंद आए। ये कौन से दातुन इस्तेमाल करती है? क्या एक तकलीफ है? क्या सिर्फ एक ही तकलीफ है? हाँ हाँ, क्या? गोल्डन बाल के बीच एक सिल्वर बाल है। मतलब सफेद बाल? सचमुच है। हाँ? मैं झूठ नहीं बोलता। एक मिनट रुको। ए भाई साहब, एक मिनट। मुझे ये बता, तेरे को इस छोरी के बाल में व्हाइट बाल दिख रहे है क्या? अच्छे भाई। हाँ? सही जवाब, ग्रीन कार्ड। तेरे को मिलेगी 2 रुपए की कटिंग, चाहे जाके बैठ जा। ये तो अंग्रेज की खाल में पटेल निकला। रुक जाओ।
व्हाइट बाल की ग्रोथ भी दिमाग की तरह बढ़ती है, इसे कभी भी जड़ से खत्म नहीं कर पाओगी। एक गुप्त जगह बताता हूँ, ये कॉफी छोड़ दो मैं पी लूंगा। नुक्कड़ से शेयरिंग ऑटो पकड़ कर नाला सुपारा जाओ, वहाँ सुपारी नहीं खरीदी, ब्लैक एंड व्हाइट दुकान पर तुम्हें रंग बिरंगी सारे कलर मिलेंगे, बॉलों के भी, चमका लो। तू सिंगल ही मरेगा। पुष्पा मेरी बात सुनो, तुम्हें विटामिन सी की कमी है, मेरा विटामिन एल फॉर लव चख लो, सारी प्रॉब्लम खलास। दफा हो जाओ। ये लड़की समझ नहीं रही है यार, मैं गॉर्जियस हूँ तो उसे भी तो हैंडसम लगना चाहिए। गॉर्जियस नहीं, गोरिल्ला है तू। अरे छोटे बाल क्यों जल गए पुष्पू? आजकल कम उम्र में ही बाल सफेद हो रहे हैं विटामिन की कमी से, बेचारी की बेइज्जती करती। तेरी जबान इतनी चलती है, उस पर बुलडोजर चला देना चाहिए। किसी लड़की को पटाने के लिए उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं। बेटा जब धीरे धीरे बाल झड़ जाएंगे तो कोई लड़की देखना भी पसंद नहीं करेगी। खामोश! घर का इकलौता कमाता हुआ वारिस मैं हूँ, लेकिन फिर भी सब लोग मेरे माई बाप और बॉस बने बैठे हैं। इन लोगों को हटाकर मैं पटाकर उसे घर लाऊंगा। मैं दुल्हन लेने जा रहा हूँ, तुम पंडित लेकर आना। पुष्पा 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 पुष्पा, अरे तेरी रिदम से ऐसा लग रहा है जैसे तू टिकट ब्लैक कर रहा है या किसी स्टेशन के बाहर समोसे बेच रहा है। पुष्पा 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 पुष्पा, मुझे माफ कर दे जानू। वो तेरी जानू बनी है अभी तक? तू जाने मन बन गया है? वो ऐसे नहीं पटेगी। सॉरी सॉरी बोलने का। पुष्पा हो सके तुम मुझे माफ कर दो। अबे तू आर्मी ऑफिसर है जो ऑर्डर दे रहा है, माफी मांगनी है तो पैरों में गिर जा, उसके तलवे चाट। पुष्पा 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 पुष्पा, आई एम सॉरी पुष्पा। हाँ इस तरह वो पिघल जाएगी। पुष्पा 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 मेरी बात सुनो, बहुत उजाला है, तुम्हारी हेडलाइट चालू है, जरा संभल कर, बैलेंस गिर गया तो तुम मुझ पर गिरोगी। आजकल तो विटामिन की कमी सब में होती है, बुरा क्यों मानती हो? हट जाओ वरना कुचल दूंगी। मेरी बात सुनो, गई इट्स ओके, सामने वाले का नुकसान हो, तुम्हारा टायर तो नहीं पता, डेंट हो जाए, पेंट करवा दूंगा। लेकिन छोड़ो मेरा। पुष्पा पुष्पा, हेलो कार्तिक, मैं पुष्पा बोल रही हूँ। केम छे क्या छे मजामा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ हो तुम? अपनी सल्तनत में। अभी आती हूँ। सब लोग दरबार में हाजिर हो, घर को वारिस देने वाली आ रही है, उसका इस्तकबाल हो। इस सलीम की अकड़ तो अनारकली निकालेगी। आओ बेटी। अरे दुल्हन बिना दस्तक दिए? कार्तिक कहाँ है? ए दुल्हन काफी मारेगी। कार्तिक को पिलाइए, उसे जरूरत भी है। लगता है बात बन गई। ओ भाई, अरे भाई भाई क्या बात है भाई, ऐसी कौन सी अंधेरी गली में लेके गया था कि खुद घर पे आके घर को रोशन करके गई। उस दिन माफी मांगने गया था, गया था ना, गाड़ी ठुक गई थी उसकी। हाँ हाँ ठुकी थी। तो उस कार के मालिक को मैंने पुष्पा का एड्रेस दे दिया था। क्या चाहिए तुम्हें? हक चाहिए मुझे। पुष्पा बहन कौन है? मैं हूँ, आप कौन? आखिर तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस किस गधे ने दे दिया? पार्किंग में खड़ी गाड़ी को ठोक दिया। ओह आपकी है, सॉरी। माफी लेकर चाटूंगा क्या? नई कार चाहिए। जबान संभाल के वरना गंजे पे। गंजा कहती है? मुझे तुझसे नई कार चाहिए वरना मैं तेरे घर वालों को गंजा कर दूंगा। उंगली दिखा दी है, नीचे कर। मैंने गुल्लक में पैसे जमा करके कार खरीदी है। अपनी ये बकबक बंद कर, कितने चाहिए बोल और निकल यहाँ से। 50,000 रिपेयर का और 1,00,000 गंजा बोलने का। दफाओ। ये तो रिपेयर का हुआ, गंजा बोलने का? ये 500 पकड़, इसका रिपेयर चार्ज। धाकड़ बनती है, गाड़ी ठोक के एड्रेस चिपकाती है। ले पकड़, गंजा हो तो क्या हुआ, टपली बजाएगी। कहा था ना मेरे प्यार में गिरोगी। प्रेम पत्र? लव हुआ है तो लव से बोल देना। प्रेम पत्र? और तुझे टकले को मेरा पता क्यों दिया? नहीं देता तो टकला मेरे घर पे आके वसूलता, मेरी खोपड़ी पे क्या पैसे उगते। टकले का बिल का हिसाब कर दिया, मेरे दिल का भी कर दे। चुप हो जा, टकला इतने पैसे लेके गया कि बाल उगा लेगा। पोष्पी गरम मत हो, बाहर चाय की टपरी पर ठंडा मिलता है, अगर तुम चाहो तो एक ही ठंड में 2 स्ट्रॉ घुसा कर गर्मी मिटा सकते हैं। मैं ज्वालामुखी हूँ और मैं ऐसी ही ठंडी नहीं होंगी। अच्छा हुआ सही वक्त पर तेरी असलियत पता चल गई, वरना पता नहीं कहाँ सर फोड़ती। अगर तूने अब मेरा पीछा किया ना तो पुलिस तेरा पीछा करेगी। पुष्पा नॉटी है, तुम प्यार की लोकल नहीं एक्सप्रेस पकड़ रही हो। मतलब आज निखार अलग ही है। हा? कैसा निखार? ब्लैक एंड व्हाइट दुकान से कलर उठा के खुद को रंगीन कर दिया। छिछोरे, अरे शादी की तारीख तो बताओ।
बेवकूफ लड़की चिंगारी है तो क्या बारूद बन के चला देगा? चल भाग। अरे सुना नहीं सुनना। मुस्तफा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। धोखे का दूसरा नाम मुस्तफा ग्रुप है। सत्या नाम के एक शख्स ने इसका खुलासा किया है। ब्रेकिंग न्यूज का कीड़ा बहुत काटता है क्या? मुझे रोशनी में लाके तुम लोग अंधेरे में काय के लिए जाते हो? यादव ये फोटो अपने नाम का बहुत नारा लगा रहा है, इसका नाड़ा टाइट कर दे। ठीक है, अगली 26 तारीख को इसकी बरसी होनी चाहिए। 26 तारीख हमारी कंपनी के लिए अहम दिन। आप सबकी मेहनत की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ऑडी कंपनी ने जो हमें ऑर्डर दिया है उसे हमें बड़ी शिद्दत के साथ पूरा करना है। श्रीनिवास जी 25 तारीख तक बैंक के सारे काम कर दीजिए। टैक्स टाइम पर भरिए, टैक्स की चोरी से देश बर्बाद हो रहा है। बाबा आप समझते क्यों नहीं है? कब तक यूं ही फिरते रहोगे? बाबा नौकरी करने की मेरी जरा से भी ख्वाहिश नहीं है। तो चाहते क्या हो? बाबा मैं क्या हुआ? कौन है ये? क्या कहूँ साहब, ये मेरा बेटा है सत्या। ओह हाय सत्या। हेलो सर। कॉलेज के सामने तुम ही धरना दे रहे थे ना? सारी मुसीबत की वजह वही है, इसने MBA में टॉप किया है। कब से कह रहा हूँ कोई अच्छी सी नौकरी कर ले, लेकिन इसे तो समाज सेवा करके लोगों का दुख दूर करना है। बाबू भाई इत्मीनान से अपना काम कीजिए, मैं इसे समझाता हूँ। ठीक है साहब, फिक्र मत कीजिए, जाइए। सत्या सबकी मदद करना एक नेक काम है, लेकिन अपनों का दिल दुखा कर नहीं, फैमिली को साथ लेकर चलो। बाबा का कहना मानो। बाबा की बात मानने में एतराज नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा के लिए तो उनका परिवार ही उनके लिए सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए ये बेसहारा लोग ही मेरा परिवार है। खैर छोड़िए, कल शाम 5 बजे भारतीय पार्क में हमने लोगों को आगाह करने के लिए अवेयरनेस कैंप रखा है, आप जरूर आइएगा, हमें खुशी होगी। बिल्कुल। 20,000 शेयर्स, 80,000 कमेंट्स, 2,00,000 लाइक्स। वाह तू तो रातों रात मशहूर हो गई। तू गोल्ड माइंस की मूवी की तरह एकदम सुपर हिट हो गई। क्या बोलती हो पुष्पा? बिल्कुल मशहूर ये बैटरी हो रही है और कॉफी मेरे पैसे से पी रही है। शाड़ी बनती है, 2 रोटी और 1 केला बांट के खुद को दानवीर समझती है। फकीर कहीं। अरे यार ये गंजा यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसने कुछ बोला तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तुम लोग यही इंतजार करो, मैं आती हूँ। यहाँ क्या कर रहा है? माफी वापस करने आया हूँ मैडम। किस्सा बताता हूँ, कल एक पान खाने वाला बेवड़ा मेरी गाड़ी पर थूक के चला गया और पर्ची ठोक गया कि तुझे भी ऐसे ठोक दूंगा। और एक देवी जी आप हैं, ठोकने पर पैसे लेने के लिए एड्रेस देकर गए। आप लक्ष्मी जी का अवतार हैं। रुकिए, बस यही सारी तारीफ वहाँ जाकर भी करिए। अच्छा फ्रेंड्स, ये है लच्छूलाल, इनकी कार में ना मुझसे छोटा। इत्तू सा, इत्तू से डेंट के लिए मैडम ने 5,00,000 रुपए दिए। अरे आजकल एक गरीब को 10 लोग मिलकर एक कंबल देते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, वो बेचारा ठंड से नहीं शर्म से मर जाता है। और हमारी मैडम है, आपका तो पुतला बनना चाहिए मैडम। बस भी कीजिए लच्छूलाल जी। चालू रहिए। मैंने नाना नानी पार्क के बाहर चाय की टपरी खोली है, रिबन आप ही काटेंगी ना, मत कहिएगा वरना। वक्त कहाँ मिलता है? काम वाली बाई से कटवाऊंगा। और तुम और फिर से तुम इस देवी के पैर धोकर पानी पियो। अरे अरे लच्छूलाल जी जरा सा, आप लोगों को बता दूं ये चाय की टपरी भी मेरी है, अगर आपका बिल मैं स्पॉन्सर करूं तो आप चारों की दुआ से मेरी चाय टपरी और हो जाएंगी। बिल्कुल लच्छूलाल जी। बढ़िया। सिर्फ तुम्हारे नेक कामों की वजह से तुम दुनिया में एक दिन मशहूर हो जाओगी। अब यहाँ क्या लेने आई है? आपने मुझसे कॉफी के लिए पूछा था ना? तो आज पीने आ गई। ना हो पाएगा, कुत्ते को पिला दिया मैंने तेरी कॉफी का दूध, उसकी दुआ से दूसरी लड़की देखने जा रहे हैं। निकल यहाँ से बेटा कारतूस, सबको हकाल और ताला मार। देख लजीज, रिश्ता शुरू होने से पहले फीकी बातें मत कर देना वरना पुष्पा वाला हाल होगा। अरे फिकर नॉट, पुष्पा के साथ तो टेस्ट मैच खेल रहा था, आज वाले के साथ जाकर फाइनल मैच खेलूंगा। पुष्पा की प्यार वाली गेंद में ज्यादा स्पिन नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है गेंद को उछाल। हिट विकेट, ट्रॉफी में गाली खा। पुष्पा मैं तुम्हारी माला जप रहा था, मेरे साथ टेस्ट मैच खेल रहे थे तो। पुष्पा मैं जन्नत का सफर तुम्हारे साथ करना चाहता था, लेकिन तुमने साथ नहीं दिया। वैसे यहाँ तशरीफ क्यों लाई हो? मेरे साथ अंदर चलोगे? अंदर नहीं जाएगा ये सिकंदर। नहीं 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 नहीं, मेरे खानदान की बुलंद तहजीब बिना निकाह के इसकी इजाजत नहीं देते। क्यों रे लल्लू? पुष्पा जो भी कहना है भरे दरबार में कहो। अब मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी, दोबारा ऐसा नहीं होगा।
सीएनजी पेट्रोल महंगा हो गया, काय को आई तू? फोन कर देती। तुम निकलो, मुझे जरा दूसरी वाली के पास जाना है। चलो अरे झगड़े को सिर्फ 4 दिन हुए थे लेकिन वो बेशरम रिश्ता देखने भी चला गया। ऐसी क्या जवानी फूट रही है? मुझसे अच्छी लड़कियों से मिलेगी क्या? थोड़ा सा सबर तो करता। मर्द की फितरत ही ऐसी होती है मैडम, तू है तो सही, नहीं है तो कोई और सही। हा? बस लड़की होनी चाहिए। वैसे भी मर्द और घोड़े में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, देखते ही हिनहिनाने लगते हैं। लच्छू लाल जी, अपना ये जो ज्ञान है ना, इसे अपने पास ही रखिए। उसे कमरे में आने को कहा तो उसने ढिंडोरा पीट दिया। कमरे में एक नाबालिग मर्द के साथ क्या करना था आपको? मैं तो उसे सिर्फ सॉरी बोल के मनाने गई थी, इज्जत लूटने का शौक नहीं है मुझे। आपके जज्बात को ही नहीं समझा। आज तो सीने और पेट दोनों में जलन हो रही है। ए राजू, मैडम के लिए पुदीन हरा जीरा मसाला लेकर आ। ओफो लच्छू लाल, मुझे गैस की प्रॉब्लम नहीं है यार, दिल की प्रॉब्लम है, समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? बस इतनी सी बात, आप उसे भूल जाइए, वो चपड़ गंजू आपके लायक है ही ना। अरे लच्छू लाल, मुझे उसके प्यार का नशा चढ़ गया है यार, और हैंगओवर उसी से उतरेगा। अब दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसने ठीक मधुमक्खी जैसा डंक मारा है मुझे, डंक मार के चला गया लेकिन शहद अंदर छोड़ गया। मेरे लिए कुछ करोगे? आपके लिए तो रेगिस्तान में भी कुआं खोद दूं। अपनी उम्र के हिसाब से डायलॉग मारा करो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वो देख उसे, 2 चक्के पे जा रहा है, पीछा कर। चल चल निकल जाएगा। अरे चल भगा। ए, 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 भगा बोला तो क्या, लोगों पे चलाएगा, देख के चला गाड़ी। कहां गया वो? वो रहा वो देख। अरे यही तो था भाई। वो रहा लाल कुर्ते में। सबको समाज सेवा का भूत चढ़ा है भाई, इधर ही डाल दूंगा। चुप रे, इतनी सारी पब्लिक है, राशन पानी लेके चढ़ जाएगी। हाय सत्या, क्या हाल है? बढ़िया सर। भाई वो चश्मे वाला कार्तिक कंपनी का मालिक है। ये देखिए सर, सारे मुद्दे हैं इसमें। तू तो अब्दुल खबरी से ज्यादा खबर रखता है, देखते हैं इसको। अच्छा उस तरफ। हाँ सर, ये पहले लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए है, एक बार वो लोग समझ गए। माफ करना भाई, माफ करना। क्या बयान देता है भाई, मैं तो तेरा फंका हो गया। शुक्रिया भाई, 26 तारीख याद रखिएगा। हाँ 26 तारीख, 26 तारीख बहुत खास दिन है तेरे लिए। बिना काला चश्मा तेरा पार्सल आ रहा है ना, मुझे भी इंतजार है। 26 को मिलते हैं तेरे से भी। तेरा पार्सल आ रहा है ना। लच्छू लाल किस गली में भटक गया, अब कुछ पता चला? आपके लिए कब्र खोद के खबर लाया हूँ, नाम है संध्या, जानवरों की डॉक्टर है, इसमें पेंसिल से लिखा है, पढ़ लेना। तुमने मुझे कोई खास बात करने को बुलाया था, क्या बात है बताओ? अब मेरी शादी तो टूट चुकी है लेकिन अब तुम्हारी भी टूटने वाली है। क्या, तुम्हारी शादी का मेरी शादी से क्या लेना देना? दोनों का दूल्हा एक ही है, कार्तिक। क्या कार्तिक? क्या है कि वो पहले मेरी सहेली का आशिक था, अचानक उन दोनों का रिश्ता टूट गया और मेरी सहेली ने किसी और से शादी कर ली और बाहर सेटल हो गई। जब कार्तिक उसके ख्यालों में डूबा रहता था तब मैं उसे सहारा देती थी, और एक दिन उसने मुझे ऐसा सहारा दिया कि मैं बेसहारा हो गई। हाँ वाकई? सुनामी के पानी को और आदमी की जवानी को कोई हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए मैं बह गई। पहले उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझसे शादी करेगा, पर उसने अपनी फितरत दिखाई दी। मैं समझ गई कि उसने मुझे हासिल करने के लिए मेरी फ्रेंड को धोखा दे दिया। धोखा देना उसकी आदत नहीं, उसका शौक है। अब तक बहुतों को शौक दे चुका है वो, और अगर तुम्हें भी शौक खाने का शौक है तो शौक से शादी करो उससे। तुम निहायत ही शरीफ लड़की हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा। दो कटिंग 350 रुपया GST के साथ, बाकी रख ले। हाय। बोल। मैं वहाँ पार्टी में आई थी। ओ। तुम्हें देखा तो यहाँ आ गई। शादी हो गई? कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई? यानी टूट गई? यानी खलास?
भावनाओं में बह के यहाँ वहाँ बह गई। उसने तुम्हें इनकार क्यों किया? बेवजह। वजह मैं पता कर लूंगी। गम को बाहर निकालने के लिए ना इसे अंदर लेना पड़ेगा। बिना सोड़े के? अरे वाह, क्या बात है। पियो पियो पियो। और पूरी पूरी पूरी। दुबई के रेगिस्तान में 2 दिन के लिए बर्फीला महल बुक किया था। अरे शादी से पहले हनीमून? मतलब उसकी किस्मत में दुबई जाना लिखा ही नहीं था, है ना? इस दुबई वाले पैकेज पर तो मैं ही जाऊंगी। मैं तुम्हें सहारा दूंगी, समझ रहे हो ना? मुझे कुछ नहीं समझना है। तुम्हारी मेरी नहीं मानी और उसने रिजेक्ट कर दिया। मेरे माथे पे रिजेक्शन का बोर्ड लगा है क्या? मेरी शादी नहीं होगी क्या? उस संध्या का किस्सा खत्म करो, बस मुझ पर ध्यान दो। हम दोनों शादी कर ले। मैंने तय कर लिया है, अब्दुल कलाम जैसा, वाजपेयी साहब जैसा, उनके जैसा रहूंगा। मतलब उम्र भर शादी नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ 2 ने रिजेक्ट किया, मैं 2 करोड़ को रिजेक्ट करूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कसम खाओ। तुम्हारी सहेलियों को डाका भगा दो ना। अगर इसने संन्यास ले लिया तो मेरा क्या होगा? पुष्पा, हेलो पुष्पा। बोलो। रात को मैं फुल चार्ज पे था क्या? याददाश्त की बैटरी लीकेज हो गई है और डेटा रिकवर नहीं हो रहा है। कुछ याद नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। कुछ याद नहीं आ रहा। इतना बड़ा कांड कर दिया और भूल भी गए। पुष्पा कैसा कांड? ऐसा काम किया है तुमने जो मैं शर्म से पानी पानी हो रही हूँ। ऐसा कौन सा काम है जिससे तुम पानी पानी हो रही हो? अरे सच की पोटली तो खोल के। पुष्पा पुष्पा पुष्पा, मुंडी हिलाओगी तो नस चढ़ जाएगी, मसाज मुझे करना पड़ेगा। बताओ क्या हुआ? उस दिन तुम बहुत दुखी थे, इसीलिए तुम्हें खुश करने आई थी। वेरी गुड। और तुम बेवड़े। बेवड़ा? तुमने मौके का फायदा उठा के मेरी पप्पी ले ली। पप्पी ली मैंने? अब मैं तो कैरेक्टर का टाइट आदमी हूँ, ऐसा ढीला काम कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक पप्पी की भी पप्पी नहीं ली, तो एक लड़की की पप्पी कैसे ले सकता हूँ? विदाउट ट्रायल में फाइनल मैच कैसे खेल सकता हूँ? मेरी 2x2 की खिड़की पर जब लव बर्ड्स भी चुमाचाटी करते हैं तब भी मैं अपनी मुंडी फेर लेता हूँ। कोई किस कैसे कर सकता है? ऐसे नैपी वाला बच्चा पप्पी लेना सीख गया। अब मुझसे कौन शादी करेगा? मैं घोड़े लेकर आऊंगा, तुम सवारी के लिए तैयार रहना। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर रहम खाकर मुझसे शादी करो। अगर मैं शादीशुदा होता तो भी मैं पहली पत्नी को डिवोर्स देता। तुम बोलो तो मैं लिविन में भी रहने को तैयार हूँ। मैं बेसहारा था, सहारा तुम हो। मैं दरिया हूँ, किनारा तुम हो। क्या तुम मेरे साथ बीच समंदर में गोते लगाने के लिए तैयार हो? आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, इतनी खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी बनेगी। तुम पकड़ के रखो, मैं अभी आता हूँ। ओके। अरे पुष्पा सुनो तो। हाय, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। उसने बेवफाई की और तुम अब भी उसका साथ दे रही हो। तुमने मुझे अपने रास्ते से हटाया ताकि तुम उसके करीब आ सको। हाय संध्या। तुम ये जानती हो ये धोखेबाज है, तुम फिर भी साथ हो। क्या क्या कहा मैं धोखेबाज? मैंने क्या किया है? खामोश, तुमसे बात नहीं करनी। एक बार चोट खा चुकी हो, लेकिन चोट खाकर दोबारा उस मोड़ पर जाना बड़ी गलती है, गौर से सोचना। ये किसके बारे में बोल रही थी? उसी ने मुझे दफा किया और मुझ पर ही खफा हो रही है। अब मुझे माफ कर दो कार्तिक, मैंने तुमसे झूठ कहा। उसने मुझे हासिल करने के लिए मेरी फ्रेंड को धोखा दे दिया। उई माँ। धोखा देना उसकी आदत नहीं, उसका शौक है। आइला। अब तक बहुतों को शौक दे चुका है वो। मरी गयो, इतना बड़ा झूठ, इतना लंबा फरेब। तो मैं और क्या करती? मेरे पास यही रास्ता था। जब तक मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तब तक तुम निकल लिए। अब किसी और को कैसे तुम्हारे साथ? चुप रहो। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, मेरे खानदान को दिया है। जब मेरे पापा संध्या के घर पे ये पूछने के लिए गए कि उन्होंने मेरा रिश्ता क्यों ठुकराया, तो उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया गया। मैं परिवार की खुशी के लिए शादी कर रहा था। आइंदा अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना।
हेलो इनका ट्रीटमेंट ठीक से करो। देखिए साहब किस तरह से तोड़ दिया। तुम फिक्र मत करो मैं आ गया। भाई तुम्हारे होते हुए रविंद्र के गुंडों ने बहुत मारा। अरे ये क्या चंदा मांगने का तरीका। अरे रुको बहुत मारा भाई कुंदल कुंदल के मारा है। यादव ऐसा नहीं कर सकता। वो बड़ा सीधा साधा आदमी है। किसी ने तुम्हें गलत खबर दी है। वर्दी पहनते वक्त तूने कसम खाई थी कि देश की आवाम पर अगर कोई आंच आई तो तू अपनी परवाह किए बिना उनकी रक्षा करेगा। बेईमानों ने दिमाग की तरह देश को खोखला कर दिया है। ईमानदारी के दो निवाले खाले बिना हाजमे की गोली के दुश्मनों को चुल्लाप छूट जाएंगे। तेरा मतलब दो मिनट में मामला सुलझा लेगा? इंस्पेक्टर अपने समीर ने पुलिस की नौकरी को खेल समझ रखा है क्या? अपने समीर को जगा। अब तू मुझे सिखाएगा? चलो चल चल जो बोला वो करके दिखा। कल का आया छोकरा मुझे सिखाएगा। अब उनको ठोकता है। आइए जनाब। क्या इंस्पेक्टर साहब कुछ कमी पड़ गई क्या? ए, आज मैं पुलिस वाला नहीं ये है। ओ। इसका इल्जाम है कि तूने इसकी मशीन चुराई और साथ ही चुनौती दे रहा है कि सिर्फ दो मिनट में ये मामला सुलझा देगा। इंस्पेक्टर साहब मामला सुलझाइए ना। सलाम साहब, बगल में चंदू ने समोसे की दुकान खोली है। आप हुक्म करें तो मंगाऊं? अपने बारे में एक बात बहुत मशहूर है, यहाँ ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अरे साहब एक मिनट खत्म। अब एक ही मिनट बचा है, अपनी जादू की छड़ी घुमाना साहब और ये केस सॉल्व करो। तेरे को टोपी पहनानी पड़ेगी साहब। टोपी तो ना। साहब पट्टा भी दो, पट्टा भी दो। एक नंबर। देखो मार्केट में नया साव आया है। अब सुन, तेरा जो भी माल गायब हुआ है ना वो मैंने ही किया है। फोटो खींच ले, तेरे सामने खड़ा हूँ। ओ, 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 मैं डर गया साहब, मेरे को मारना नहीं जंजीर से। हाँ मारना नहीं है। देखो देखो साहब आया है। साहब मेरी एक दर्जन बीवी है, सोचो जरा मेरे को कुछ हो गया तो वो रोएंगी ना। साहब आपका गुस्सा देख के मेरी लुंगी निकल रही है। साहब 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 जंजीर टूट जाएगी। साहब क्या कर रहे हो साहब, हमको माफ कर दो। अरे लोगों से हफ्ता वसूल के खरीदी थी। सिर्फ टोपी और बेल्ट की ताकत देखी। सत्यमेव जयते की टोपी पहनी है, शेर वाली। उसी की दहाड़ से तेरी सांसें थम सी गई। अपने दिमाग में लाल बत्ती चला ले, वरना तेरे जीवन की बत्ती कभी भी गुल हो जाएगी। अगर इस देश के ईमानदार आदमी की सटक गई तो तू कफन में होगा।
जो बम ब्लास्ट हुआ था वो तूने करवाया था। आतंकवादियों को बॉर्डर पार भी तू ही करवाता है ना। मुंबई में नशा फैला के, चंडीगढ़ में 20 मर्डर करके, अलाहाबाद की बैंक में लूट मचा कर, वहाँ से रफू चक्कर होकर नाम बदल कर तू यहाँ रह रहा है ना। मरे हुए आदमी की लाश पानी में डूबती नहीं, वैसे ही किए हुए जुर्म कभी छुपते नहीं। मेरे बाहर निकलने से पहले मेरे ट्रक बाहर होने चाहिए। एक पल भी लेट किया तो तू सीधा कब्र में लेटा होगा। गेम ओवर। मशहूर समाज सेवक सत्या का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। जानकारी के मुताबिक कल रात कुछ अनजान लोगों ने उन पर हमला तो किया था। कमिश्नर ने कहा है कि जल्द से जल्द मुजरिम सलाखों के पीछे होंगे। ओके सीमा, बाय। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सब ठीक है ना? मैंने उसका कत्ल होते हुए देखा। किसकी बात कर रही हो? वो समाज सेवक सत्या। कल अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई थी। कोर्ट कचहरी के मसले से इसे दूर ही रखो, कहीं गवाही देने के चक्कर में इसकी जान को खतरा ना हो। कार्तिक, तुम्हारी माँ का कहना सही है। तुम्हारा क्या कहना है? मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगी। पागल हो गई है क्या? रुको माँ, शाबाश, हर नागरिक को जिम्मेदार बनना चाहिए। कार्तिक, तुम बात नहीं समझ रहे। पापा, मुझ पर भरोसा रखिए, उसे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। गाड़ी की तलाश सर, मुझे वो सर, चाहिए। बिना इजाजत का अंदर कैसे आ रहा है? सत्या का कत्ल किसने किया? पहले यहाँ से निकलो। एक मिनट रुको। सर बता, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। सर अकेले में मतलब अकेले में। आखिर उसने माइक क्यों बंद कर दिया? मेरी दो शर्तें हैं। गवाह का नाम सिर्फ आपको पता होगा और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। मंजूर। गवाह पुलिस स्टेशन नहीं आएगा, आप उसके पास जाएंगे। मेरी बहन सीमा। नमस्ते सर। नमस्ते सीमा, जो कुछ भी वहां हुआ सर को बताओ। सर मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, घबराना नहीं। कातिल को देखने पर पहचान सकती हो? जी पहचान सकती हूँ। कार्तिक, तुम्हारी बहन को उसे पहचानने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन जिन पर शक है उन्हें बुला लीजिए, मॉडर्न जमाना है वीडियो रिकॉर्डिंग का। सर। हाँ कहो परिमल। जिस पर शक है वो सारे मौजूद हैं। पक्का यकीन है? यस सर। जिम को बुलाया था, उनमें से तो कोई नहीं निकला। तो उनकी तस्वीर बनाइए। बहुत खूब, पर आर्टिस्ट तुम्हारी बहन को देख लेगा ना? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। बैठो, कैरी ऑन सर। ठीक है, बताओ बेटा, तो शुरू कर। सर जरा बुरखा हटाने के लिए कहिए ना। ए, इसकी तस्वीर नहीं बनानी है, ये जिसकी बताएगी उसकी बनानी है। बताओ बेटा।
सर स्केच तैयार है। देखो बेटा क्या वो यही है? हाँ सर यही है वो। पक्का यकीन है? मुझे पूरा यकीन है यही कातिल है। शाबाश। ठीक है सर। हेलो हेलो सर। खुद को क्या समझते हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो? हाँ खुद को जिम्मेदार बताते हो, असल में तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है। हुआ क्या सर? तुम्हारी बहन पुलिस को गुमराह कर रही है। जिस आदमी की तस्वीर बनाई उसे मरे 5 साल हो गए हैं। फ्रेंड्स पार्टी पब, मुझे अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही है। नहीं भैया मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। बस अब और नहीं, और कितना ड्रामा करोगी? अगर ये बात न्यूज में आ जाती तो पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो जाता। झूठ नहीं कह रही हूँ। बस कर तेरी ओवर एक्टिंग। सर सर मेरी बात सुनिए। बस कर, देख तुम्हारा मुंह देख कर चुप था, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बहन को धोखा नहीं हो सकता सर। फालतू टाइम नहीं है, हमें इसकी जांच करनी चाहिए सर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई सुराग तो। इसी ने सत्या का कत्ल किया है। इरफान! अबे निकाल है! चल 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 चल! हे कार्तिक! रुक जाओ कार्तिक! स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा! अरे तेज भागा! हेलो हेलो, हाँ कार्तिक क्या हाल है? इरफान जिंदा है या मर गया? जिंदा है या मर गया? इरफान ना, मुझे सच जानना है। मैं समझाता हूँ, मैं बताता हूँ, मुझे बोलने का मौका। जिंदा है या मर गया? वो जिंदा है अभी। I am coming. लेकिन क्यों? सर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? कार्तिक आया है।
वो वहां देख। सर, छुट्टी पर गए सभी अफसरों से कहो ड्यूटी ज्वाइन करें फौरन, जान हलक में आ गई है। क्या हुआ सर, इतने हैरान क्यों हैं? ये एस कार्तिक सर, ये तो वही है ना जो? हाँ भाई कार्तिक, एक झूठी खबर के जरिए हमने उसे डिपार्टमेंट से कई सालों तक बाहर रखा, लेकिन अब उसे हकीकत पता चल गई और अब वो आ रहा है। अपनी पूरी जिंदगी में उससे जाबाज और उससे सनकी ऑफिसर मैंने नहीं देखा। कानून मानता नहीं, अपनी जान हथेली पे लेके चलता है और सीनियर ऑफिसर को बात बात पे ठेंगा दिखाता है। अपने फर्ज के आगे अपने परिवार की भी परवाह नहीं करता वो। अरे जज्बात नाम की चीज ही नहीं है। आज से 4 साल पहले मैं भी ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ था, निकलने का रास्ता ही नहीं था। मुंबई माफिया से ताल्लुक रखने वाली एक गैंग थी, मेरी बेटी को अगवा कर लिया और बदले में एक खूंखार अपराधी को छोड़ने की मांग की। मालिनी मुझ पर यकीन करो, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ यहाँ का, मैं देख लूंगा। सर सर आगे क्या करना है? किडनैपर की कोई खबर? कोई खबर नहीं है सर। मेरे हिसाब से भीखू को आजाद कर देना चाहिए, वरना बच्ची की जिंदगी को खतरा हो सकता है। इनका मशवरा सही है। भीखू को ले जाने की तैयारी करो, मंत्री जी से मैं बात कर लूंगा। सर किडनैपर का फोन है। बोलो। क्या रे कमिश्नर, क्या फैसला किया? हम भीखू को आजाद कर रहे हैं, कहाँ लेकर आना है बताओ। भाई को अड्डा मालूम है, लेकिन अपनी एक शर्त है, भाई के साथ कोई वर्दी वाला ना आए, आम आदमी आना चाहिए। इस वक्त आम आदमी कहाँ? उसने फोन काट दिया सर। अब हमें क्या करना चाहिए? आम आदमी राजी नहीं होगा। जान का जोखिम है सर, उसके नाम से लोग डरते हैं। हाँ मैं ये सब जानता हूँ यार, अरे थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और कुछ करो। सर ये कोई नोर लाएगा। कौन ये? अबे हट्टा पीछा। क्या घिसा? अत्तर जामिया गली वाला। कौन से जानवर का था? क्या काम करते हो? वो जो गोल गोल होता है ना, उसे छील छील कर मशीन में डालकर शरबत बनाता, गोला बोलते उसको। तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या? इसी में रस भरा था सब। ठीक है, इसे पता है ना क्या करना? गहराई से बताया था ना। पैसा खातिर ईमान को बेच दूं। क्या रे खिसक गया है क्या? इसको देखकर लोग खिसक सकते हैं सर। हां सच कहूं, और सुविधा उपलब्ध नहीं है सर। ठीक है दाम बता। एक नोट वाली पार्टी है, 2 लाख बोलना, एक तेरा एक मेरी बीवी का। दो में पटा लिया सर। इसे 2 लाख चाहिए। वर्दी से धोखा, सौपाने पर धंधा डालूंगा ना। गद्दार, बजट बढ़ गया सर। ठीक है लगाओ फंत्रू। क्या रे माइक काय को लगा था? रवि तेजा की डबिंग कराएगा क्या? जा जाके दातुन कर। उसकी जरूरत नहीं है, ये खुफिया माइक है, अगर कोई ऊंच नीच हुई तो हम फौरन पहुंच जाएंगे। घबराओ मत साहब, मैं मौत का सौदागर सबकी रूह कब्ज करके आपकी बच्ची को लाता। कोई विकल्प नहीं है, पता है। सीख गए, चलो अब ले जाओ इसे। मुर्गी मोहल्ले से मुर्गी मंगा के रखना। ये ले। मेरा, मैं बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ। मशीन से धोता है या हाथों से? हाथ की हड्डियों का, पैर की उंगलियों का कोई बॉडी पार्ट नहीं छोड़ते। तुमने तो बोला था ये जूस वाला है। बड़े अस्पताल के पास छोटा ठेला लगाता है सर, फोकट में भी पिलाता है। ठेला किधर लगाता है? पहले खबरस्तान के पास में था, फिर शमशान के पीछे चला गया, अब नया ठिकाना ढूंढ रहा हूँ। वैसे तू क्या करता तड़ियल? मेरा धंधा? हाँ लोगों की जिंदगी का सौदा करता हूँ, सौदागर हूँ। कैसो भाई, एक शॉट से पूरे डिपार्टमेंट को हिला दिया और आप आजाद। सब बास मेरे चीते। चल हथकड़ी खोल। पिक्चर नहीं देखता क्या? इस हाथ ले, उस हाथ दे। क्या रे पुलिस की बोली बोल रहा है कि छोटे? सर 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 बैक साइड। क्या सर? वो जूस वाला एसीपी है।
ये जूस वाला एसी पी नहीं छोड़ा तो क्या नोच लेगा? थोबड़े पे रोलर चला के चपटा कर दूंगा। शाना बन रहा है क्या? कौन है रे तू? कार्तिक, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। आज ड्यूटी का पहला दिन है, नारियल तेरे पे फोड़ूंगा। फेंक मत। फेंक रहा हूँ, ये मेरे को हल्के में ले रहा है, घोड़ा लेके उड़ रहा है। तेरे भाई को डेमो देना पड़ेगा, चल निकल ले। इसने तो सबको ठोक दिया, ये तो वाकई सनकी है। इसने उन सबको मार के मेरी बेटी की जिंदगी को दांव पे लगा दिया। चलो जल्दी चलो। भाई आगे खोलो, भाई भाई उठो भाई। ए, मुर्दा बोला नहीं करते, ये हम लोग में इसका हिसाब किताब हो रहा होगा। आत्मा की शांति के लिए 11 फकीर खिला। अगर इसकी मैयत पर अफसोस हो रहा है तो इसके बाजू में तेरी भी कब्र खुदवा दूं। सलामती चाहता है तो बच्ची मेरे हवाले कर, तुझे छोड़ दूंगा। ले मिनी कफन दे रहा हूँ, उड़ा दे बच्ची लिया। क्या सोच के मेरी बेटी की जिंदगी को दांव पे लगा? तू पुलिस वाला है? ऐसे होते हैं पुलिस वाले? सौ गुनहगार भले आजाद हो जाए लेकिन एक मासूम की जिंदगी खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, इतनी भी समझ नहीं है? मेरा हिसाब थोड़ा अलग है। शेर से दोस्ती कर उसे सीने से लगाता हूँ, देशद्रोहियों को जहन्नुम नसीब करवाता हूँ। आप जानते हैं सर, पूरे देश में 16 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। अब उन केसेस की एंडिंग होगी। आपकी बच्ची सलामत है। मेरी बच्ची, घबरा मत बेटा, मैं आ गया हूँ ना, इसे घर ले जाओ जल्दी। ओके सर। जा बेटा। ये क्या किया? इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। ये कैसी सनक है तुम्हारी? जेल में इसे बिरयानी खिलाओगे, 15 अगस्त को आजाद करोगे और 16 को फिर से धांधली शुरू। मैं जख्म को नासूर नहीं होने देता। फाइल क्लोज। लक्ष्मण, एनकाउंटर में मारा गया सर। शाबाश, गेम ओवर। कहानी खत्म। आई डू सोलेमली डिक्लेयर अपॉन माई ऑनर एंड कॉन्शियस दैट आई विल एक्ट एट ऑल टाइम्स टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड नॉलेज इन अ मैनर बिफिटिंग अ पुलिस ऑफिसर। आई विल प्रिजर्व द डिग्निटी एंड विल रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड विल एक्ट जस्टली एंड इम्पार्शली एंड विद प्रोप्राइटरी टुवर्ड्स माई फेलो ऑफिसर्स। बाहर आई सर। हैप्पी बर्थडे नहीं है जो बुके दे रहा है, काम पर लग जाओ। सारे मुजरिमों की फाइल चाहिए मुझे अभी। मुझे आजाद कर दो, मैं आजाद वीजा लेकर दुबई चला जाऊंगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना, अगले जन्म में पैदा होके स्कूल जरूर जाना। बिना वीजा की टिकट काट दिया? पासपोर्ट नहीं था। अरे आधार कार्ड तो था ना बे, जाने के लिए पासपोर्ट लगता है ना, उस चक्कर में ये एक्सपोर्ट हो गया। कहाँ जा रहे हो? भैया के कमरे में, आज उनका बर्थडे है। उनका तोहफा, वो सवेरे ही गए। उसे किसी की फिक्र ही नहीं है, इतवार को उसकी बहन की सगाई है, उसे बता दीजिए। अरे कार्तिक, तुमसे कुछ खास बात करनी है। जरूरी है क्या? दरअसल एक जरूरी कॉल करूँ। हाँ आ रहा हूँ।
उस वक्त उसे कुछ जरूरी काम था इसलिए। कार्तिक जी। पापा तुमसे एक मसले पर बात करनी है। सच में जरूरी? बहुत जरूरी बात है। अभी 8 बजे हैं, रात के 8 बजे करते हैं। अरे लेकिन कार्तिक। ATP एनी टाइम पुलिस। आवाम को अगर जरा सी भी तकलीफ हो तो इस ऐप पर कंप्लेंट करें, करीबी पुलिस स्टेशन को यह इत्तला दी जाएगी। बिना वक्त गवाए पुलिस आपकी मदद के लिए आ जाएगी। सर इस केस का क्या हुआ? मेरा नाम सही सॉल्व हो गया। केसर फालूदा मंगा। अरे सर बैठिए मत, एक और केस आ गया है, काम पे लग जाइए। देश में कितने फालतू लोग हैं। बलराम सर तुम सबके लिए दावत रखी, आके ठूस लो। चलो मैं चलो जाओ। सर का इंतजार करते हैं। 5 मिनट में तशरीफ लाएंगे, साथ में खाएंगे। कितना खाओगे बुक्कड़ो? ताजा ताजा केस आया है, उसे निपटाते चलो। सूंघने को बिठाया था क्या? सही टिप मिली थी, जाके दबोच ले। भूख से एसिडिटी? सर बिना खाए काम कैसे होगा? ए मूंगफली इसे 2 दाने दे। जी साहब। भूख लगी है? गैस हो गया। बांट लो। गरीबी में आटा खिला, लल्लू को मूंगफली खिला। हाँ क्या हुआ? अच्छा मिर्ची की टिप मिली है। हाँ ठीक है आ रहा हूँ। आओ जाने मत, तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। नई बाइक है मेरी। अबे एसीपी कार्तिक चल चल भाग भाग। कौन है? माँ की बहू का फोन है, बीवी से टाका भिड़ा है। बीवी के मायके वाले को बोलो बीवी को आकर लेकर जाए, डिस्टर्ब कर रही है। नहीं जा सकती सर, लॉकडाउन चल रहा है ना। तो कुरियर करवा दे। हेलो गुप्ता कुरियर वाला, पार्सल में एक बीवी है। गुप्ता जी के साथ मत भेजिए, उसका कोई भरोसा नहीं सर, मैं छोड़ के आता हूँ ना। हेलो कार्तिक कहाँ है? वो ड्यूटी ज्यादा करते हैं ना इसलिए सो रहे हैं। कमरा कहाँ है? मैडम संभाल के, साहब नींद में भी ड्यूटी करते हैं। एक मुक्का मारूंगा तो टप्पा खा के गिरेगा, शर्ट के बटन खोल के पुलिस के सामने होशियारी करेगा। ए, मेरी गिरफ्त से कोई नहीं छूटा। झूठ बोल रहा है कि लड़की छेड़ रही है। माना कि आजकल की लड़की बहुत एडवांस है, लेकिन अगर वो तेरी तपस्या भंग कर रही है तो तू भी उसके साथ जंग कर। अबे लड़कियों पे भरोसा मत कर, वो एक के साथ नहीं अनेक के साथ होती है। मेरा बस चले तो पूरा निकाल कर फूंक डालूं। पुलिस वाला हूं, बंदूक है मेरे पास। लड़की है कौन? लड़की लड़के का है? तेरी बाहों में जो सोई है। बाप रे ये तो दिव्या है। हाय दिव्या। दादी इसे अपने साथ किचन में लेकर जाओ। जाओ आप दोनों दफा हो जाइए। हाँ। मुझे आराम करना है। आराम करना है? चल मेरे साथ। मुड़ी क्यों? पुलिस वाले की इज्जत से हटा दी। पता होता इन दोनों में इतनी मोहब्बत है तो रिश्ता पहले ही तय कर देते। बचपन से यही तो कहती आ रही हूँ, लेकिन ये समझते ही नहीं है। पहले कहा कि फिलहाल उसे पढ़ाई पर ध्यान देने दो, फिर कहा कि ट्रेनिंग पर ध्यान देने दो, वो हुआ तो पोस्टिंग, पोस्टिंग हो गई, प्रमोशन भी हो गया, यहाँ ट्रांसफर भी मिल गया। हाँ हाँ इंतजार की घड़ी ही टूट चुकी है, अब बहुत हो गया। दोनों पार्टीज यहीं पर मौजूद है तो फटाफट शादी का मुहूर्त निकालो। लक्ष्मी मेरा फोन कहाँ है? हाय कार्तिक। हाय अंकल, कैसे हैं आप? एकदम फिट, तुम कैसे? बैठिए ना प्लीज। कार्तिक। हाँ पापा। तुम दोनों की मोहब्बत के ढिंढोरे पूरे खानदान में पिट चुके हैं, तुम शादी करके हनीमून पर जाओ, हम सब तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। रहने दीजिए, अभी तो ये बच्ची है, बड़ी तो होने दीजिए। अरे कैसी बात। लक्ष्मी बोलो साहब। मारो फोन जोयो। नहीं देखा साहब। उठिया है। फोन चाहिए? अब बता मैं बच्ची दिखती हूँ तुझे? दिव्या मैं सारी मोहब्बत कर रही हूँ और तू बेजार हो रहा है। मुझे फोन चाहिए, कॉल करना है। नहीं दूंगी, पहले बोलो तुम मेरे दीवाने हो? हाँ हूँ। मुझसे जल्दी शादी करोगे? बोलो। करूँगा, अभी जाने दो। जरा ऐलान तो कर दो। भाभी हल्दी लाओ। दिव्या देर हो रही है, फोन दे दो। खुद ले लो, मेरा हाथ फ्री नहीं है ना, मैं नहीं दे सकती। रखा है फोन? अय्या चुप, फोन ढूंढ रहा हूँ। सुन लिया, अब जल्दी से कार्ड छपने दे दीजिए, हम कॉफी शॉप जा रहे हैं, कुछ प्राइवेट बातें करने हैं। ओके चलो। हेलो कौन सी कॉफी? मुझे ड्यूटी पर जाना है। कॉफी? दिव्या फोन लाओ ना। कॉफी? कॉफी चाहिए तो पहले फोन दो मुझे। खुद ही ले लो। और कोई जगह नहीं मिली? बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। सर क्या रिपोर्ट है? जांच के लिए बॉडी भेज दी है सर। कार्तिक आपका प्लॉट है। दिव्या आ जाओ आ जाओ। ये मेरे साथी है बलराम, मलेश, लक्ष्मण। सर ये फॉरेंसिक से हैं। फियांसे। अंगूर के हाथ में लंगूर। आइए ना आइए।
जांच के लिए भेज दो। कार्तिक कॉफी का क्या? ओ, भूल गया। बलराम पहले कॉफी बोल दे। दो स्ट्रॉ डाल के लाऊं क्या? समझ गया, शादी नहीं हुई है ना। चल 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 चल। अजीब चिरकुट है सर, क्राइम सीन पे डेट के लिए लाया तो हनीमून क्या मुर्दा घर में मनाएगा? कब्रिस्तान में पलंग बिछाएंगे, वहाँ मुर्दे देख लेंगे, काला पर्दा डालेंगे। तू क्यों चल रहा है फिर? हाँ वही तो। सर खूनी जरूर कांस तोड़ कर आया होगा। सर दो घंटे में पकड़ा जाएगा। मैडम जी। हाँ? क्या हुआ, काम खत्म हो गया? कार्तिक का है? जरूरी काम से चले गए। लेकिन कब? बड़े साहब का कॉल आया था तो जाना पड़ा। ओ ठीक है, ठीक है मैडम। हकीकत में ये दंगे थे ही नहीं, सीएम साहब रैली में शामिल ना हो सके इसीलिए ये साजिश थी, और इस साजिश को रचने वाला एक ही शख्स है, रऊफ लाला। जब तक सूरज चांद रहेगा रऊफ लाला का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा रऊफ लाला का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा रऊफ लाला का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा रऊफ लाला का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा रऊफ लाला का नाम रहेगा। छह बार एमपी का ताज अपने सर पहना, नेता खासकर अपने बेहतरीन काम से जाने जाते हैं, लेकिन लाला की ताकत उसकी हैवानियत है। और अब अपने बेटे इरफान को पॉलिटिक्स में शामिल करने के लिए सिटिंग एमएलए को अपने खौफ के जरिए इस्तीफा दिलवाकर चुनाव करवा रहा है। अगर हम लाला को हैवान कहते हैं तो इरफान तबाही का दूसरा नाम है। आवाम को यकीन दिलाने और उन्हें बेहतर जिंदगी देने के लिए हमें वहाँ एक रैली करनी होगी। पिछले इलेक्शन का जायजा मैंने खुद किया, यकीन मानिए सिर्फ 33% वोटिंग हुई थी। उनका खौफ इतना है कि वोट देने के लिए घर से कोई बाहर कदम नहीं रखता। इस रैली के जरिए हम लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि आजाद मुल्क में आजादी उनका हक है। रैली करना खतरनाक साबित होगा सर, थोड़ी भी चूक हुई तो मासूम लोगों की जान को खतरा है। मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, जब मैं ही यहाँ पर महफूज नहीं हूँ तो मेरे राज्य के लोग कैसे महफूज रहेंगे? मुझे जाना होगा। सॉरी सर, बहुत सुरक्षा के मसले होंगे, सही मानों में कहा जाए तो ये मुमकिन। उस रैली में कोई परेशानी नहीं होगी सर। अरे क्या बकवास कर रहे हो सर, ये बेवजह फालतू के जोखिम उठाता रहता है। कुछ बेहतर काम करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है सर, जोखिम का दूसरा नाम ही है पुलिस। जोखिम उठाना तो अकेले उठाओ, सीएम साहब की जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? कमिश्नर शांत रहिए। ऑफिसर सर, मुझे अपना प्लान बताइए। ये कौन है जो पीछे से सीएम को भड़का रहा है? कोई कार्तिक है मियां, बहुत सख्त इंस्पेक्टर होती वल्ला, उससे झगड़ा मत करो, उससे समझौता कर लो, ऐसा आवाम का कहना है मेरा नहीं। किस माइकलाल की हिम्मत हुई मेरे सामने खड़े होने की? निकलने दो सीएम का जुलूस, हम उसकी मैयत निकालेंगे। अपने लड़कों को इकट्ठा करो, सीएम के मुंह पे चप्पल मारने का 50,000, पुलिस वाले को कत्ल करने का 5,00,000, और जो सबसे ज्यादा कत्लेआम मचाएगा उसको 1,00,000। वसीम अब मजा आ रहा है, मौत का तांडव होना चाहिए। सीएम की शिकस्त और हुकूमत की कुर्सी पर बैठेगा मेरा बेटा इरफान। रैली शुरू करने को कहो, सीएम किस रास्ते से आएंगे मैं बताऊंगा। हे पठान, ये रैली तो निकलने लगी। जी भाई। अपने लश्कर को लेके पहुंच, किसी को भी नहीं बख्शना। स्टार्ट। We'll be right back.
जल्दी जाओ। टीम सी। जरा दूरबीन देना। पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, 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 पीपल्स पार्टी। अरे कार्तिक, वाह वाह, इतने लोगों का जमावड़ा क्यों हो रहा है? फिक्र मत कीजिए, आने दीजिए उन्हें। हमारा मंसूबा था कि 3000 पुलिस वाले वहाँ आएंगे। मंसूबा बदल दिया है। मंसूबा बदल गया? इसने गुंडों के लिए फील्डिंग लगाई है या हम पुलिस वालों के लिए? वो पेट्रोल पंप फेंक रहे हैं। घबराइए मत, कटिंग पीजिए। ये पागल नहीं है, पागलों का सरदार है ये। नेटवर्क बंद। अरे ये टीवी कैसे बंद हो गया? अरे जल्दी जाके देखो, जाओ जल्दी। जाओ नेटवर्क का घोची भाई। अरे जल्दी अपने लड़कों को फोन लगाओ। नेटवर्क नहीं है। कौन सा सिम तेरा? अरे रुक जा वसीम, ये क्या हो रहा है? तू लगा। पोजीशंस। क्या मसला है पुलिस वाले भाई? वो रहा, पिछले 30 साल से पुलिस मेरे फेंके हुए टुकड़े पे पल रही है, समझ गया तू? तेरी वर्दी के साथ तुझे भी खरीदूंगा। अच्छा है। क्या क्या अच्छा है बे? जोक अच्छा है, दूसरा सुना। ये जोक लगा तुझे? तुझे जोक लग रहा है ये सब? देख अपनी आंखों से देख, ये शहर नहीं है, मोहल्ला नहीं है, गली नहीं है, जंगल है ये जंगल, और मैं इस जंगल का शेर हूँ। शेर तो कौड़ी के पुलिस ऑफिसर मसल के रख दूंगा। तू मुझे मसलेगा? इस शेर को मसलने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ।
वो मेरी गिरफ्त में। सीएम की रैली शुरू करो। अदरक वाली चाय बॉल। मेरा इनकाउंटर का खाता नहीं खुला है, इससे खोलूं क्या? हलाल करने से पहले बकरे को पानी पिलाते हैं। इससे पूछ चाय पिएगा क्या? लाला जी छुट्टे हैं क्या? राज करने वाले सुल्तान को उसने सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। छोड़ूंगा नहीं उसे। उस पुलिस वाले की नस्ल तबाह कर दूंगा। गुस्सा थूक डालो। जुलूस के हादसे के बाद हमारा खौफ कम हो गया है। हमारी थोड़ी सी भी गलती हमें इलेक्शन में शिकस्त देके उसे जिता देगी। रऊफ लाला, हम उस पुलिस वाले को सीधा ऊपर पहुँचाएंगे, लेकिन अब नहीं। सही वक्त देख के हम उसके मगज में गोली मारेगी, और अगर वो 10 फीट जमीन के नीचे भी दफन होगा तो भी उसे बाहर निकाल लेगी। ये एक सच्चे पठान की जुबान है रऊफ लाला, और एक सच्चा पठान अपनी जबान से मुकरता नहीं। अपने गुस्से पे काबू रखो। जल्दबाजी में आप ऐसा कोई कदम मत उठाओ। ए, क्या करती? ये नामाकुल बच्चे को हटाओ यहाँ से। ए, पागल! तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे पागल कहने की? लाला, मालिक ने तुम्हें 2 औलादें बख्शी, उसमें से सिर्फ एक ही काबिल है। फिलहाल जोर इस पे नहीं, इलेक्शन पे लगाओ। चलता हूँ। हेलो, उसे हटा वहां से, हटाओ उसे, हटा ले। हाँ पापा। मुहूर्त का समय हो गया, तू कहाँ है? अभी 10 मिनट बाकी है, आता हूँ मैं। अरे उसे आने के लिए कहा कि नहीं? मुहूर्त हो चुका है, दूल्हे को बुलाइए। बलराम, ये मतलब के कॉल उठाना नहीं, जरूरी कॉल, ठीक है? सब खैरियत? हाँ सर, गर्म माहौल में सब कुछ ठंडा चल रहा है। क्या खाता है? इसका बीपी हमेशा हाई क्यों रहता है? हमारी तरह नॉर्मल क्यों नहीं रहता? शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, रस्में शुरू कीजिए। कार्तिक कहाँ रह गया? रास्ते में ही है, आ रहा है। उसे मंगनी के बारे में तो बहुत पहले से पता था, आज के दिन छुट्टी ले सकता था। वो पुलिस वाला है, कभी भी कोई भी जरूरी काम आ सकता है ना। अब मसला मत खड़ा कीजिए, हम लोग रस्म शुरू करते हैं। अंकल बैठ जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। खाने का वक्त हो गया, ऑर्डर कर लो, बाद में मिलेगा नहीं। सर यार, लाइफ ऑर्डर में नहीं है, अब खाने की बात कर रहे हैं। अरे जरा देखो इसको, इसके लिए सोना खाना पीना सब ड्यूटी। जब पूछो गलती से कुछ खाएगा, ऑर्डर कर देते हैं। आपका नाम ले लो क्या सर? हाँ पूछो ना, उसका सीनियर हूँ मैं। कमिश्नर का हाथ है। भूख लगी तो बुलेट की गोली खाएगा। यार टेंशन है, तुझे भूख लगी है? कमिश्नर साहब ने कहा। सर ये क्या बोल रहा है? इस भुक्कर को भूख लगी है और कह रहा है कि आपने कहा। नहीं नहीं, मैंने इससे कुछ नहीं कहा। मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? तू यहाँ तो जा, जाओ दे। क्या है? तुझे भूख लगी है? लगती नहीं है सर। क्या सर, गरीब के साथ ऐसा करते हो? सूखा पलटा। अरे कुछ खरीद इस फर्श की दुकान से। अरे एक दिन नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वजा। अरे उठा ले। फर्श की दुकान में फालतू फोन की एंट्री बंद है, आप उठाइए। नहीं रहने दे, रहने दे, कोई जरूरत नहीं है फालतू कॉल उठाने की। ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांत। तेरी शक्ल देख के मुझे रहम आ रहा है, जाके ठूस ले कुछ। मैंने रोजा रख लिया सर, अब भूख नहीं लगेगी। अरे पापी पेट की बद्दुआ लगेगी। सर की फियांसे का फोन है, जरूर कुछ जरूरी काम होगा, आप बात करिए ना। बावला हो गया क्या? मैं नहीं करता। इंस्पेक्टर नहीं डर रहा और 2.5 रुपए का कमिश्नर ऐसे डर रहा है? क्या बक रहा है, मैं किसी से नहीं डरता। बोलिए। हेलो हेलो। अरे अकल के पैदल, यहाँ तुम्हारी बहन की मंगनी हो रही है और तुम यहाँ हो ही नहीं। भाई के नाम पर ठप्पा हो तो तुम्हें तो खोलते हुए तेल में डाल देना चाहिए। तेल गरम होता है। चुंदर कहीं के मेरा दिल कर रहा है तुम्हें छड़ों से मारूं। बेवकूफ पागल, अपनी बहन की मंगनी में ये तो चुकंदर बोल रही है। वो तो सर के लिए था, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फ्लैट हो जाएगी। हेलो, मैं कार्तिक नहीं हूँ, कार्तिक का सीनियर हूँ। तुम्हारे ही नंबर की तलाश थी मुझे। मेरा नंबर? बहन की सगाई के दिन कोई ड्यूटी पर बुलाता है क्या? बहुत बड़ा कांड लगता है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। योगा करता हूँ सुबह। शट अप। अपनी बहन की मंगनी होती तो ऐसा नहीं करते, तुम्हें तो जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। बेवकूफ कहीं के, गालियों की बारिश, दिन भर बस ठूसते ही रहते होगे। शाम होने वाली है, कुत्ते के बिस्किट खा के जिंदा है हम लोग। बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, मुँह से तो बिरयानी की खुशबू आ रही है।
वही रोक, 10 मिनट में आ रही हूँ। दिलाती हूँ तुझे जिम्मेदारी का एहसास। चाय से ज्यादा कितली गरम है ना सर। कार्तिक सुनो, इधर आओ। सर बहुत जरूरी कॉल समझ के मैंने उठा लिया तो तुम्हारी मंगेतर ने गालियों की बारिश कर दी मुझ पे। अब मुझे क्या पता कि तुम्हारी बहन की मम्मी है। माफ कीजिए सर, अब मुझे माफी उससे मांगो वरना यहाँ के भांगड़ा करेगी। सर ईवीएम मशीन के साथ जाना होगा। ओ, अब बलराम सर, तुझे बटन दबाना आता है सर? हर 10 मिनट बाद दिव्या को सॉरी मैसेज भेज। ओके अरे अब तुम्हारे पास और कोई काम नहीं रह गया। इस साल दोनों पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। देखना ये है जनता किसी पे जरा सा भी शक हो तो उसे गिरफ्तार कर लो। क्या चल रहा है? वैसे सब कुछ कंट्रोल में है, अगर 2 घंटे में सब कुछ ठीक रहा तो कर्फ्यू। हे दिव्या। हाय। ये मेरी मंगेतर है। दिव्या ये मेरे सीनियर हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। बहुत ही मीठी मीठी बातें करती हैं। मगर एक बात कहूँ, तुम्हारी किस्मत किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। थैंक यू सर। बंजर जमीन पर प्यार का हल चलाकर दिव्या ने उसे उपजाऊ बना दिया। कौन सी फिल्म का डायलॉग है? सुनो ना, आज मैं तुमसे झूठे दिल से माफी मांगता हूँ। सुबह से 92 बार कह चुके हो। सेंचुरी में 8 यानी माफी का पहाड़ खड़ा है। बलराम काफी अच्छी डाइविंग कर लेता है। प्रधानमंत्री से उसे पुरस्कार दिलवाइए सर। फिर से सॉरी। लो एक और बार। आज सॉरी डे है क्या? वैसे फोन का है तुम्हारा? फोन फोन सर वो चार्जिंग पर रखा है। चार्जिंग पर रखा है मेरा फोन, चार्जिंग पर है, लेकर आ रहे हैं। अच्छा मिलते हैं सर। मेरा मोबाइल भिजवाओ ज्वालामुखी। क्या भिजवाने बोला? और पुलिस फोर्स, अब मामला बहुत टाइट है ना। सॉरी। ये क्या कर रहा है तू? सर बोल, उनकी पप्पी मेरी है सर। अरे वो कब की आ चुकी है? सीनियर की मंगेतर के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है। नीचे लौटा दे उसका फोन उसे। ओके सर। एक बार फिर से कहिए ना। क्या कहना है? वही जो अपने बॉस के सामने कह रहे थे। मेरे दिल के कमोड़ में तुमने जेट स्प्रे करके उसे गीला कर दिया है। वादा करती हूँ जिंदगी भर नहीं सूखेगा। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं जिसमें 30 साल बाद लाला परिवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पीपल्स पार्टी की जीत के बाद रऊफ लाला सदमे में है। रऊफ लाला को खुद यकीन नहीं हो रहा है कि उनके बेटे की जमानत जब्त हो चुकी है। ए कान में चुभ रहा है, बंद करा। अंदर होम मिनिस्टर का बेटा जस्ट मना। तो क्या जाके नाचो? बंद करो। लाला इरफान लाला हूँ मैं, हट। अरे ए ढिकचिक ढाकचिक, बंद करिए गाना बजाना। तुम लोग जस्ट मना रहे हो, यहाँ मातम छाया हुआ है। ए इरफान ज्यादा तमाशा मत कर, चल निकल यहाँ से। अपनी गर्मी कहीं और जाके दिखा। मेरा बाप होम मिनिस्टर है, तेरे जैसे को चुटकी में गायब करवा सकता हूँ। चलो चलो यहाँ से, चलो भाई चलो चलो। नीचे और जोर से बजा, कोई भी आए बंद नहीं करना। जब से कार्तिक ने चार्ज लिया है दोनों बाप बेटे की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। ये है। चलो भाई। शालिनी शालिनी ए! उछल रहा था ना, उछल 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 उछल। सरकार किसकी भी हो, हुकूमत मेरी चलेगी। एक बात भेजे में फिट कर ले। लाला कल भी श्याणा था, आज भी श्याणा है। पापा मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, मेरी आंखों के सामने उसका कत्ल कर दिया। फिक्र मत कर, छोड़ना मत पापा, ताकत लगा दूंगा। तू बिल्कुल परवाह मत कर। साहब रऊफ लाला के आदमी आए हैं। खामोशी की कीमत ब्लैंक चेक। अपने जज्बातों पर काबू रख और इस मामले को रफा दफा कर। आप उसका एनकाउंटर कर दो। उसे क्यों मार रहे हो? उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। ये मेरा दोस्त है पापा, ये मेरे दोस्त को मार रहे। पापा पापा इन्हें रोकिए। पापा ये मेरा दोस्त है पापा, इसे मत मार, छोड़ दे। ये सिर्फ ट्रेलर था, किसी की जबान चली ना तो पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। दुबई 10:30 की फ्लाइट है, वेकेशन, जाके अय्याशी कर। मयूरी रिसोर्ट में बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रही यूनिवर्सिटी की छात्रा शालिनी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस उसके हत्यारों की तलाश कर रही है। जिसने भी ये हरकत की है हम उसे बख्शेंगे नहीं। इस केस को सुलझाने के लिए बहुत ही होनहार अवसर चुना है। कातिल कोई भी हो वो उसे थर दबोचेगा, आवाम से ये मेरा वादा है। सर सर सर, शालिनी के कत्ल का इल्जाम रऊफ लाला के बेटे इरफान लाला पर जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। लड़की के कई चक्कर थे, बदचलन थी, हो सकता है उसी के किसी आशिक ने मारा हो। कुछ कह नहीं सकते, जांच अभी जारी है, मैं जल्द ही तह तक पहुंचूंगा।
मुझे आप सबकी मदद चाहिए। एक रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर ने मेरी बेटी को बच्चलन कहा है। सुजाता मैडम ने हमेशा छात्रों को नेक रास्ते पर चलने की नसीहत दी है। आज वो खुद अपनी बेटी के इंसाफ के लिए भूख हड़ताल पर बैठी है। आज एक पुलिस ऑफिसर ने मेरी बेटी के चरित्र पे उंगली उठाई है। क्या पुलिस के पास कोई गवाह है कि मेरी बेटी बच्चलन थी? मुझे इंसाफ चाहिए। क्या सरकार पुख्ता यकीन के साथ कह सकती है ऐसा दोबारा नहीं होगा? ऐसे हैवानों के लिए सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। शालिनी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। उस पुलिस वाले ने गलत बयान दिया है। शालिनी को इंसाफ मिलना चाहिए। कातिल को सजा मिलनी चाहिए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल करेंगे। ये क्या हो गया? बासी तो उल्टी पड़ गई। मैं ऐसे तालाब में खड़ा हूँ जिसमें मगरमच्छ है और किनारे पर शेर है। अंदर रहा तो मगरमच्छ खा जाएगा, बाहर निकला तो शेर चबा जाएगा। एक तरफ रौफ लाला के पैसे खाए, दूसरी तरफ हाईकमान से गाली खाई, और उधर विद्यार्थी मेरे नाम का पुतला चला रहे हैं। अरे कोई हल तो बताओ। सर हमें कोई ना कोई फैसला लेना होगा वरना डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा। अरे कंगन पहनने के लायक हो तुम? मेरी कांख के पसीने से ज्यादा कुछ नहीं है तुम्हारे डिपार्टमेंट। सर आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं। पहले ही पावर्स दिए होते तो ये नौबत नहीं। इसी वक्त ले लो पावर। कर क्या लोगे आखिर पावर लेके? दिमाग सुन्न हो गया है। पहले इस मनहूस को यहाँ से दफा करो। कोई ढंग का आदमी लेकर आओ। अच्छा ऑफिसर आएगा तो मामला शांत हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? तो टीवी पर बयान जो दिया, कैमरा सामने देखते ही उछल उछल कर नौटंकी करने लगे। ऐसा अफसर लाऊंगा कि तेरा भरतनाट्यम बंद हो जाएगा। सर Students, high, high. पार्टी में 100 लोग थे। अगर उनमें से 20 ने भी हिम्मत की होती तो लड़की आज हमारे बीच जिंदा होती। कोई मरता है तो उसका वीडियो बनाने में लग जाते हो। जुल्म के खिलाफ तो एक भी मोर्चा नहीं निकालते हो। कैंडल लेके बस चल पड़ते हो। सोशल मीडिया का असली इस्तेमाल करना सीखो। मैं इंस्पेक्टर कार्तिक हूँ। इस केस की जिम्मेदारी अब मेरी है। आपको इंसाफ जरूर मिलेगा माँ। ये लीजिए। आपके दिल पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अफसोस अकेला इंसान इस देश में कुछ नहीं कर सकता। आम इंसान को साथ मिलकर लड़ना होगा। जब जब इस सर जमीन पर आंच आई है, भारत की माताओं ने उसकी लाज रखी है। आपको इंसाफ मिलेगा। हम सब आपके साथ हैं। मुझे अपनी वर्दी की कसम है माँ, खूनी चाहे कोई भी हो, पाताल में ही क्यों ना छिपा हो, मैं पकड़ूंगा उसे। बिना विटनेस कैसे पकड़ेंगे? किसने कहा विटनेस नहीं है? विटनेस है, कातिल ही विटनेस है। हर मुजरिम ये सोचता है कि हर पुलिस वाला बेईमान है, लेकिन जिस वक्त उनका ईमानदार पुलिस वाले से पाला पड़ेगा उनकी लाश नाले में होगी। इंडियन पुलिस नंबर वन। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमें इस काम के लिए दो टीम बनानी पड़ेगी, समझे? इस केस से जुड़ी हर फाइल आधे घंटे के अंदर मुझे टेबल पर चाहिए। जरा भी चूक ना हो वरना सबको सस्पेंड कर दूंगा। नाउ यस सर। यस सर। सारे सबूत मिटा दिए गए हैं साहब। पार्टी में 50 लोग मौजूद थे लेकिन कोई भी गवाही देना नहीं चाहता। बाउंसर्स और वेटर्स कहानी सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि लाइट जाने की वजह से कुछ देख नहीं पाए। सर वॉचमैन ने बताया कि इरफान की कार 9 से 11 तक वहीं थी, इसीलिए शालिनी की मौत का शक इरफान पे ही जाता है। सर शालिनी के कौन कौन से खास दोस्त थे उसकी पूरी डिटेल मुझे चाहिए। कोई सुराग मत छोड़ना। पार्टी में जो जो शामिल थे सबकी डिटेल इसमें है सर। शाबाश, सबको आड़े हाथ लो।
पार्टी में शालिनी का बॉयफ्रेंड भी था सर। कहाँ रहता है वो? शालिनी सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब थी, ये फोन डिटेल से हमें पता चला। तुम जो कुछ भी जानते हो हमें सच सच बताओ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? उस वक्त तुम वहीं थे, सच कह रहा हूँ ना? उसका कत्ल इरफान ने किया, जवाब दो। असल में उस वक्त मैं वहां था ही नहीं। छे! कैसा दोस्त है जो दोस्त को इंसाफ दिलाने में मदद नहीं कर रहा। हेलो, जरा कार्तिक को फोन देना। जी जी, एक मिनट। सर क्या है? विद्या मैडम का फोन। काम कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, फोन बंद कर दे। अब फेंक ही देता हूँ सर। ए, गाड़ी शुरू कर। जयपुर के ठाकुर साहब को भूल मत जाना। हाँ, भेज दिया। और हाँ, वो लखनऊ के यादव साहब। एक कार्ड अपने बेटे को भी भिजवा दीजिए अंकल। अरे क्यों मजाक कर रही हो बेटा, दूल्हे को कोई कार्ड भेजता है वाला? दोनों ही परिवार इस शादी को लेकर काफी खुश है, पर कार्तिक को दिलचस्पी नहीं है। क्यों, क्या बात है बेटा, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। परेशान तो होंगी ही ना अंकल, क्योंकि हमारी शादी तो हो रही है पर हम साथ नहीं है। मुझे पता था कि उसकी नौकरी ही उसके लिए सब कुछ है, पर परिवार को वक्त देना भी तो जरूरी है ना अंकल। जब वो अपनी ही बहन की सगाई में मौजूद नहीं था तो आपको कितनी तकलीफ हुई थी। मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी अंकल, मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं कार्तिक से बात करूंगी। नहीं मत कीजिए, कार्तिक को सिर्फ एक ही फर्ज नजर आता है और वो है उसकी ड्यूटी, और वही उसकी मोहब्बत है। इस शादी से हम दोनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं जा रही हूं अंकल, सॉरी। सब लोग अभी तक जाग रहे हो? हाँ, बस थोड़ी उलझन में था। अब तक तो मुझे सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र रहती थी, और अब इस बात का खौफ खाया जा रहा है कि कल को अगर मैं ना रहा तो तुम्हारी माँ क्या करेगी, वो अकेली दोनों बेटियों की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। बस यही फिक्र मुझे सता रही है। तुम्हें याद होगा 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है, पर शादी टूट चुकी है ये नहीं पता होगा तुम्हें। टूट गई? कल तक वो पागलों की तरह तुम्हें चाहती थी, आज वो खुद मना करके चली गई। चली गई? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम तुम खुद हो। शादी तय होने के बाद तुमने एक मिनट भी उसे वक्त दिया? जरा सोचो तो, कभी ये जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहती है? नहीं ना, तुम्हें एक नजर देखने के लिए रात भर जागकर तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। तुम तभी बात करते हो जब कोई बहुत जरूरी मसला हो। आज बता दो, तुम्हारे लिए आखिर जरूरी है क्या? मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं। तुम्हारी माँ के लिए तुम्हें सामने बिठाकर प्यार से खाना खिलाना जरूरी है। तुम्हारी बहनों का तुम्हारे साथ खरीदारी करना, बाहर घूमने जाना, ये उनके लिए जरूरी है, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये बातें कोई मायने ही नहीं रखती। जिंदगी भर हमने तुम्हारे साथ एक बाप माँ बहन होने का रिश्ता बखूबी निभाया है, पर क्या तुमने एक पल के लिए भी बेटे होने का फर्ज निभाया? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी सिर्फ हमारे लिए गुजारो, लेकिन खुशी के 2 पल तो हमें दे सकते हो ना? आप गलत समझ रहे हैं, मेरी ड्यूटी होती है पापा, आप तो जानते हैं ना। वो तो हर शख्स करता है, पर फैमिली के लिए क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी से पहले तुम इस घर के बेटे हो, आखिरी बार तुमने ये ड्यूटी कब निभाई है? इस उम्र में मुझे दौलत शोहरत की चाहत नहीं है, तुम्हारे प्यार और साथ की जरूरत है। जिम्मेदारी ना निभाने से इंसान नौकरी खो देता है, पर रिश्ते ना निभाने से जिंदगी खो। पापा, अरे माफ करना बेटा, फालतू की बातें करके मैंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया। तुम दोनों जाओ सो जाओ, तुम भी जाओ सो जाओ। माफ करना बेटा, जाओ आराम करो।
हेलो, आप एसीपी कार्तिक बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? सर, मैंने शालिनी का कत्ल होते हुए देखा है। तुम कहाँ हो? प्लैनेटोरियम में। तुम बस वहीं पर रुको, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ हो तुम? सर मैं वहाँ महफूज नहीं था। इस वक्त कहाँ हो तुम? हीरापन्ना मॉल सर। वहाँ से कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ। ए, ये ट्रक किसका है? हटाओ इसे। एक मिनट भाई साहब, बाइक देना। एक्सक्यूज मी संदीप। नो सर। ओ सॉरी। हेलो। ए भटकती आत्मा, किसके लिए भटक रही है? अबे कौन बोल रहा है बे? इरफान, वानियत का दूसरा नाम। तेरे हाथ गवाह नहीं लगेगा। इम्पॉसिबल। मेरे बारे में लोग अंदाजा लगा सकते हैं, मुझ तक पहुंच नहीं सकते। अबे लुखे, आज 15 अगस्त है, अंग्रेजों के चुंगल से देश को आजादी मिली थी, आज तेरी रूह को भी आजाद कर दूंगा। हिसाब की किताब में रहे। तेरे डर के लिबास को उतार कर उसका कफन बनाकर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। तू तो गया, तेरी एक्सपायरी हो चुकी है, कन्फर्म। तेरी तो सर, खबर मिली कि तुमने इरफान को मारने की धमकी दी। धमकी नहीं दी, उसके मारने की तारीख तय कर दी है। यमराज ऑन द वे, लाला को बोल दरवाजा खोल के रखे। क्या? कान में रुई डाली है का? देश के मंत्री होकर गुनेगारों के तलवे चाटते हो, जनता को पता चल गया तो धोती फाड़ देगी। है? क्या बक रहे हो? अबे ऊंचा सुनने वाले बहरे, हमारी सरकार स्विस बैंक से काला धन लाने की बात कर रही है, तेरा अकाउंट मरने पता है? तुम जैसे मंत्रियों ने देश को खोखला कर दिया है। होम मिनिस्टर से जबान लड़ाता है, सस्पेंड कर दूंगा तुझे। अरे पगार मिलती है ना, तुम सबको मेरी हिफाजत करो। अरे ये तो पूरा मेंटल है। अरे अरे, नौकरी से निकालेगा, सस्पेंड करेगा। वर्दी पहनी है इसलिए मुझ पर लगाम लगी हुई है। जिस दिन ये लगाम हट गई, बेलगाम होकर तुझे सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर ऐसी मौत दूंगा कि यमलोक कांप उठेगा। लाल बत्ती में बैठ के वर्दी वाले से उलझना नहीं। अरे लारा, तुमने दोनों बेटे पागल पैदा किए हैं क्या? क्या हुआ, बकवास क्यों कर रहा है? अगर इरफान की सलामती चाहता है तो उसे कहीं छुपा दे। इधर आओ, इधर आओ। इरफान को अभी के अभी यहाँ से रवाना करो। नहीं, जाओ तुम दुबई घूम के आओ। जाओ, ये मेरा फैसला है। जाओ, चलो जाओ यहाँ से।
अब उसकी हालत बेहतर है लेकिन उसे आराम की जरूरत है। डॉक्टर सर सर क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? समझने की कोशिश कीजिए। मेरी शर्ट कहाँ है? मेरा जाना बहुत ही जरूरी है डॉक्टर। मेरी शर्ट कहाँ है? इरफान इरफान भारत छोड़कर चला जाएगा, उसे रोकना है। नर्स मेरी शर्ट कहाँ है? मेरी शर्ट कहाँ है डॉक्टर? आप सब मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? कार्तिक क्या कर रहे हो? डॉक्टर डॉक्टर साहब मेरे जूते कहाँ है? मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरे कपड़े कहाँ है? आप मुझे जाना क्यों नहीं दे रही है? नर्स इरफान मर चुका है। सर सर रिलैक्स, ये सच कह रहे हैं क्या? हाँ हाँ, और क्या, एनकाउंटर में इरफान की मौत हो गई थी। आइए आप आराम कीजिए। नर्स कल अगर उसे हकीकत का पता लग गया। उसका जुनून देखा? ऐसी नाजुक हालत में भी वो सिर्फ अपनी ड्यूटी के बारे में सोच रहा है। जिस दिन से वर्दी पहनी है उस दिन से एक दिन भी बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया। आपको अपने डिपार्टमेंट में कार्तिक जैसे और भी होनहार ऑफिसर मिल जाएंगे सर, पर मेरे खानदान का वो इकलौता वारिस है सर। प्लीज सर कुछ कीजिए। देखिए आप, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। प्लीज ये क्या कर रहे हैं? प्लीज पर मेरे खानदान का वो इकलौता वारिस है सर। प्लीज सर कुछ कीजिए सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। प्लीज देखो मेरी औलाद को कुछ नहीं होनी चाहिए। पैसों की चिंता मत करो, जितना लगेगा। कमिश्नर, ऐसी होती है मानवली। जिस पुलिस ऑफिसर की वजह से मेरा बेटा यहाँ है उसका नाम निशान मिटा दूंगा। शेर को शिकार करते हुए देखा है क्या? देखा है? ठीक उसी तरह उसे फाड़ दूंगा। तू अपने आप को शेर कहता है? अगर तू शेर है तो वो शेर का शिकार करने वाला शातिर शिकारी है। कुछ 4 mm के छर्रे लगने से तेरा बेटा कोमा में चला गया और उसके सीने में 4 32 बोर की गोलियां लगी। डॉक्टर ने कहा उसे ठीक होने में 4 महीने का वक्त लगेगा और वो 4 मिनट में यूनिफॉर्म पहनने के लिए तैयार हो गया। जानते हो उसने आँख खुलते ही क्या सवाल किया? ये इरफान कहाँ है? बोल रहा था इरफान नाम के राक्षस का आज वध करूंगा, और तू उसे मारने की बात कर रहा है। अगर इरफान के जिंदा होने की बात उसके कानों तक पहुँच गई तो ICU में घुस कर उसे ठोकेगा। वो अपने फर्ज को खुदा मानता है। अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, तुमसे सुलह करने नहीं बल्कि सलाह देने आया हूँ। अपने बेटे को उससे बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो ये कि तू खुद मार दे अपने बेटे को। क्या बक रहा है तू? एनकाउंटर में तेरा बेटा मारा गया ऐसी खबर फैला दे, कार्तिक को ये यकीन दिला, पुलिस की फाइल में वो मरा हुआ घोषित होगा लेकिन तेरे लिए जिंदा होगा। तेरा दिमाग लगा, तेरे कलेजे का टुकड़ा है वो। हाँ एक और जरूरी बात, जो भी केस उसके हाथ लगे उसने एक भी केस को अधूरा नहीं छोड़ा। मशहूर MP रौफ लाला के बेटे इरफान लाला के जनाजे में उनके चाहने वालों की भीड़ काफी तादाद में थी। उसको भरोसा दिलाया कि इरफान मर चुका है। कानून की हद से बाहर जाके खुन्नस में आकर इरफान को मारने पर कार्तिक को बर्खास्त कर दिया गया। डिपार्टमेंट ने एक लायक अफसर तो खो दिया लेकिन उसके माता पिता ने फिर से अपने बेटे का प्यार हासिल कर लिया। मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा था। तुम्हारी हालत बहुत ही नाजुक थी। पापा आपने कहा था परिवार सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैंने अपने काम को जरूरी समझा था। आज मैं समझ चुका हूं कि फर्ज और परिवार दोनों को बैलेंस करना होता है। पुलिस की नौकरी छूट गई उसका अफसोस नहीं है, पर मैंने किसी माँ से वादा किया था कि उसका ये बेटा उसे इंसाफ जरूर दिलाएगा, पर नहीं दिला सका। मैं उन्हें दिया वादा पूरा करना चाहता हूँ पापा, लेकिन आपकी इजाजत के बगैर नहीं करूंगा। क्या करूं पापा? वादा निभाओ। कार्तिक वापस आ रहे हैं। ए बीवी, आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग, और गुप्ता कुरियर के साथ पार्सल हो जा। तू आ गया। I am back.
कूरियर के पैसे मैं भर। क्या कर रहे हो? इतने दिनों बाद बड़े साहब की एंट्री हुई है, स्वैग से स्वागत करो, फूल मालाएं दो, समोसे कचौरी लाओ, जूस आइसक्रीम मंगाओ। क्या रे बलराम, मेरी कुर्सी पर राज करना चाहता है? सर मजाक में सच बोल रहे हैं। किसका फोन था? सर वो मेरी इकलौती बीवी का सर। अगले हफ्ते उसका बर्थडे सर, कह रही थी छुट्टी लो। मैंने साफ कह दिया कि पैदा होकर मुझ पर तूने कोई एहसान नहीं किया। सही कहा ना सर? सर गांडो थई गयो छे। पतिव्रता पत्नी होती है, पत्नीव्रता पति बनो। जैसे मछली को पानी के बाहर नहीं निकाला जाता, पत्नी को घर से बाहर मत निकालो। याददाश्त गई क्या? इतना मतलब? अदालत में मैं एप्लीकेशन डालने वाला हूँ कि करवा चौथ का व्रत पतियों के लिए कंपलसरी किया जाए, समझा? छुट्टी ले। बीवी को बैलेंस करो। नहीं समझे? एक सैंडल मांगे दो दिलाओ, बैलेंस। उसका सर दुखे तो तुम दबाओ, बैलेंस। कचरे के साथ क्या ले जाओगे? जलेबी। 300 तो मर्डर, 307 हाफ मर्डर, 420 धोखाधड़ी के मामले। आप हैं तो दो दिन में निपट जाएगा सर। आप हाँ कहें तो अभी शुरुआत करते हैं सर। ए ऋषि नो टेंशन, काम होता रहेगा। मुजरिम कहाँ भाग कर जा रहा है? सही कह, गुंडे और पुलिस में बैलेंस होना चाहिए। समझ गए ना? ऋषि मैंने ज्ञान बांट दिया, फाइल ला। जी सर। बलराम सर, लाला का पाला हुआ जनाब आला कौन है? मौला पठान होती। तू सही बोलती तो चलती। चांद पट्टी की तो सन्नाटे में भेज दूंगा। ए टकले, बाल में शैंपू कर क्या? पठान साहब, वल्ला हबीबे। इंस्पेक्टर इधर तशरीफ क्यों लाई? क्या छानबीन करेगी? हम छानबीन करने नहीं आए, गुफ्तगू करने आए। क्या ऐसी गुफ्तगू करनी है? पठान साहब, तीसरी गली के दूसरे मोहल्ले में मैं एक को ठोक के आ रहा हूँ, वो मेरे से कुछ बोली। क्या बोली? आपने अपने दिमाग के कंप्यूटर में एक फॉर्मूला छिपा कर रखा है, आप हमें बताती वो? क्या बात करती? मैं आपके खुफिया चाय वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। उसे फॉर्मूले से बनी एक कप चाय पिला दो, सारे गुनाह माफ। चाय? क्या चाय? आप पठान साहब, बस चाय की तलब मुझे आपके दरवाजे तक खींच लाई। मतलब टी? हाँ हाँ वही टी। ए छोटू, दो चाय लेके आ। हेलो, कार्तिक यहाँ आया है। वाह पठान साहब, क्या चाय है! फिर सुखी पलटी, मरने वाला जिंदगी का मजा दे गया। शुक्रन पठान साहब। शुक्रन शुक्रन। आप स्टेशन पे चाय क्यों नहीं बेचते? देखेगा सर। चल बल रहा जी सर। अल्लाह हाफिज पठान साहब। कार्तिक आया था? आया था। क्यों आया था? वो आया था सिर्फ चाय पीने के लिए और कुछ नहीं। इस बात पे तुम इतना बड़ा तमाशा क्यों खड़ा कर रही है? चाय पीने आया था? मेरी चाय इतनी बेहतरीन है आज पता चली। इरफान का जिक्र निकाला था उसने? उसका बिल्कुल कोई जिक्र ही नहीं किया। फिर क्यों आया था? वो मेरी चाय पीने आया था, अभी तो बताया तुम। गलती से भी इरफान का जिक्र नहीं होना चाहिए। तू जानता है ना इरफान गुजर चुका है। क्यों नहीं बताया? पठान तू समझता क्यों नहीं? उम्र के साथ साथ हमारा भेजा कमजोर हो गया। कम सब कहीं का। अरे ये चाय का चरसी फिर आ गया। पठान मुझे वो फॉर्मूला दे दे। पठान तुझे बख्श दूंगा। कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर होगा भी तो तुम्हें नहीं बताएगी। बलराम। हुकुम सर। अपने खुले कान पे ढक्कन लगा। ओके सर। रिश्वत की तरह मेरे जेब में फॉर्मूला डाल दे। रिश्वत देना गुनाह है। मैं तुम्हारा दिमाग खोलकर उसमें से फॉर्मूला ले सकता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाय में अदरक कौन सी कंपनी का होता है? चाय की अदरक की कंपनी का क्या करेगी यार तू? ये सुन लेगा, माथा फूट जाएगा। अदरक की कंपनी नहीं, अदरक का बाग। बड़े बाजार में छोटे दरख्त के पीछे एक ही आउटलेट है, दुनिया के लिए 450, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 400। पठान साहब मैं आज ही ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। स्टेटस के लिए एक फोटो। इस वक्त तेरे पास कौन आया था? वही कार्तिक का बच्चा आया था। तुम बौखला गई है क्या? अरे बंद कर तेरी बकवास। तूने उसे कोई राज की बात तो नहीं बताई? उसने सिर्फ मेरे से अदरक के बाग का पूछी, उसका एड्रेस बताई। उसके अलावा मैंने कौन सी भी राज की बात नहीं बताई, ये भी नहीं बताई कि इरफान चाय के पत्ते में इरफान कहाँ से आ गया? इरफान मर चुका है। आज फिर से मर गया? पठान तुझे अकल कब आएगी? हमारा प्लान भूल गया? अभी हमें पूरी बात समझ में आ गई। पठान उस पुलिस वाले के सामने कोई भी राज की बात मत बताना। नहीं बताएगी, बेफिकर रहो। लाला भाई वो पठान साहब, पठान साहब। अच्छा हुआ घूंघट पहन के आया, किसी ने मुझे नहीं देखा। इसको क्या मालूम मैंने देख लिया।
पठान साहब वहाँ से आगे बिल्कुल मत बढ़ना। एक कप चाय हो जाए। चाय खत्म, चाय की गुफ्तगु पीनी पिलानी सब बंद कर दी मैंने, तुम जाओ यहाँ से। पठान साहब, पठान साहब जरा कुप्चे में आओ। पठान साहब, अगर दूध खत्म हो गया हो तो मैं तबेला खोल दूंगा, अगर चूल्हे में घासलेट खत्म हो गया हो तो मैं घर को आग लगा दूंगा, अगर शक्कर नहीं है तो मधुमक्खी के मुंह से मैं शहद ले आऊंगा, अगर तूने मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की तो तुझे पंखे से लटका दूंगा। ये 10 रुपया रखो और 10 ग्राम सब मंगाओ, 10 मिनट में आता हूँ। पठान साहब, जो राज आपने बताया मेरे साथ ही दफन होगा। तुझे पता चल गया? पता चल गया। तो ढिंडोरा पीट दे। हाँ पीटता हूँ। उसने तुझे पैसे दिए? हाँ दिए तो क्या, किस वजह से दिए? अरे सामान मंगवाए पैसों से। कौन सा सामान? दूध, केतली और चाय की पत्ती मंगवाई। हम पे हमला क्यों किया? मुझे बेवकूफ समझ के रखा है, जो कहेगा मान लूंगा। तूने इरफान की खबर दी इसीलिए तुझे पैसे मिले। हम बेईमान नहीं है रऊफ लाला। ओए दफा हो जा पठान, जा यहाँ से। तूने ईमान का सौदा कर दिया। मैंने सौदा किया है? ये एक नोट लेके मैं क्या पूरा काबुल खरीदने वाला हूँ? भाई ये तो हवाला का नंबर है। हवाला? अरबों की डील होगी। ओए पठान तू तो हमसे धोखेबाजी, हमसे गद्दारी। अरे इसको उठा के बाहर फेंको, चलो उठाओ इसे। देखो कहीं का, अरे पार करो इसे, ले जाओ इसे, ले जाओ। अरे तुम लोग भी यहाँ से जाओ। चलो रे भाई, बहुत टेंशन में है। सर लाला ने एक अननोन नंबर पे कॉल किया है। इरफान बेटा। सलाम अबू जान। ने तेरे बारे में बक दिया, तू जल्दी से बिनी मिल्स पहुँच जा और किसी से इस बात का जिक्र मत करना। सर इरफान की खबर मिली है, वो बिनी मिल में शिफ्ट होने जा रहा है। भाई दफनाऊंगा उसे। इरफान बतलाओगे अरे तू, याद सता रही थी क्या? बंदूक में जितनी भी गोलियां हैं उस पर उसका नाम लिखा है रे। ऐसी कोई गोली इजाद नहीं हुई जो मुझे पार कर सके। क्या बोल वचन दे रहा है? ये 2 टके के गुंडे अपने मालिक से इतनी वफादारी कायको करते हैं, अगर इन्हें जेल में डाल देंगे तो MLA छुड़ाने आएंगे। टाइम की बर्बादी। सही कह रहे सर। बचपन से बुराई को मिटाने का मुझ में कीड़ा है, दुनिया कहे कि ये एक यड़ा है। इस कौले ने मुझे दिया था धोखा, इसलिए मैंने इसे आज ठोका। अंधेरे में जो चमकती है अपन वो रोशनी है, जो जो अपने भेजे में अटका है अपन ने उसे कब्र में पटका है। ओए, तेरे लाला के बूझते हुए चिराग को बचा तो ले। बलराम आज तेरा हाफ डे, बीवी के पास जा। उसका इंजन चालू है सर। अरे बलराम जरा फ्लैशबैक में जा। उसके दोनों हेडफोन्स का कनेक्शन मैंने काट दिया, फिर उसके गुर्दे कलेजे और फेफड़े को पंच मार कर मैंने पंचर कर दिया, उसके मुंह पे पंच मार के टू मच कर दिया, बेईमानी के खून को मैंने पंच से बाहर निकाला, फिर उसकी 42 इंच की HD छाती को मैंने अपनी फोर के टांग से तोड़ दिया, फिर चाइना माल जमीन पे गिरा और डिस्प्ले टूट गया। लाला काय को मेरे से पंगा ले डाला? तेरे छोटे लाले को चढ़ा दे 10 रुपए की प्लास्टिक माला, क्योंकि मैंने उसे ऊपर पहुंचा डाला। गुड बाय मेरे लाला।
क्या हुआ अब दर्द हो रहा है? अब्बा को दवाई दे देता हूँ, आराम आ जाएगा। अब खा लो, अब ठीक हो जाएंगे। हाँ फिक्र मत करो, हाँ सुकून मिल गया। सर जब लेट नाइट फिल्म खत्म होती है और हॉल से बाहर निकलते हैं तब तक सारे होटल बंद हो चुके होते हैं। फिर जो बीबी गाली खिलाती है, डिस ब्रेक मार। क्या हुआ सर? गाली से मुझे मेरी वाली याद आ गई। हवाई अड्डा ले रे। हाय बीबी। क्यों बुलाया है? पुष्पा अकेले रहकर मैं हो गया हूँ बेजार, इसलिए करने आया हूँ। चल चल बकवास मत कर, अब तेरे डायलॉग नहीं चलने वाले, मुद्दे पे आ। ये महाबली आना चाहता है तेरी गली। हाँ महाबली किसी जंग पर जा रहा है क्या? रिक्वेस्ट कर, फिर से कोशिश कर। पुष्पा टिकट ब्लैक कर रहा है या बीच पर चने बेच रहा है? रिक्वेस्ट कर। गाल तेरे गुलाबी लगती है तू शराबी। कैसी घटिया कविता है ये? कवि सम्मेलन नहीं है, कुछ नया ला। अभी लाता हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। पुपू नहीं पुपू गंदा होता है। पुष्पी पुष्पी पपी ले लगा दूध मलाई। सीख गया है। दुबई के रेगिस्तान में बर्फ का महल बनाएंगे, फिर गोल्ड की शॉपिंग करेंगे। वहाँ का गोल्ड 99% खरा होता है तुम्हारी तरह। क्या करोगे? 40 दिरहम का बुर्ज खलीफा का टिकट निकाल कर तुझे छोड़ आऊंगा। क्या